Thank you.
गुड मॉर्निंग। अरे क्वेश्चन देखते हैं इसके लोड फ्लो एनालिसिस के। ए पावर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 300 बसेस आउट ऑफ विच 20 बसेस आर ट्वेंटी बसेस आर जनरेटर बस जनरेटर बस 25 बसेस आर वंस विथ रिएक्टिव पावर सपोर्ट रिएक्टिव पावर सपोर्ट एंड 15 बसेस आर द वंस विथ फिक्स्ड शंट कैपेसिटर All other are load buses. The size of Jacobian matrix. जैकोबियन मैट्रिक्स का साइज पूछा है क्या होता है? तो न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज करके हम डिटरमाइन करते हैं जैकोबियन मैट्रिक्स। न्यूटन रैप्सन मेथड अप्लाई किया जाता है नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन के लिए। अगर एन नंबर ऑफ इक्वेशन है इस टाइप के एक्स वन एक्स टू प्लस कॉस एक्स टू स्क्वायर प्लस एल एन एक्स थ्री इक्वल टू सिक्स, ऐसा इक्वेशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। ये है नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसमें कितने वेरिएबल आ रहे हैं? थ्री वेरिएबल। तो ये जो इक्वेशन है ये फंक्शन है थ्री वेरिएबल एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज इक्वल टू सिक्स। ऐसे एन नंबर ऑफ इक्वेशन आ सकते हैं, इन एन नंबर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन जब निकालते हैं न्यूटन रैप्सन से तो इसमें बनता है ये पार्शियल डेरिवेटिव मैट्रिक्स। एन इक्वेशन को जब मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे ऐसे एन इक्वेशन बनेंगे, टेलर सीरीज से एक्सपेंशन किया जाएगा इनका न्यूटन रैप्सन का यूज करके जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव मैट्रिक्स बन जाता है, वो होता है जैकोबियन मैट्रिक्स। इस टाइप से डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स वन डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स टू, अगर एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आएंगे तो एन नंबर ऑफ वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स एन, ऐसे ही। फिर दूसरा इक्वेशन होगा एफ टू, उसमें भी एन नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे तो उसका भी पार्शियल डेरिवेटिव एन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। उन सभी इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं तो वो बनता है मैट्रिक्स जैकोबियन मैट्रिक्स। एफ टू अपॉन डेल एक्स एन एंड सो ऑन। तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि जैकोबियन मैट्रिक्स की साइज क्या होती है पावर सिस्टम में इसको जो यूज किया जा रहा है, तो जैकोबियन मैट्रिक्स का साइज क्या होता है वो याद रखिए। तो साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स होता है m क्रॉस m, वेयर m इज, ये m होता है टोटल नंबर ऑफ p स्पेसिफाइड
नंबर ऑफ पी स्पेसिफाइड, पी स्पेसिफाइड प्लस नंबर ऑफ क्यू स्पेसिफाइड, इसका मीनिंग अभी देखते हैं क्या है। नंबर ऑफ पी स्पेसिफाइड प्लस नंबर ऑफ क्यू स्पेसिफाइड, जैसे टोटल नंबर ऑफ बसेस कितने है सिस्टम में, 300 बस का सिस्टम है, नंबर ऑफ बसेस एन, नंबर ऑफ बसेस एन इक्वल टू 300 है, 300 बस का ये सिस्टम है, साइज होता है एम क्रॉस एम, एम होता है नंबर ऑफ पी स्पेसिफाइड प्लस नंबर ऑफ क्यू स्पेसिफाइड। अब 300 बसेस में से बोला गया है कौन कौन से कितने बस है, 300 बस में से 20 बसेस बोले गए हैं और जनरेटर बस, जनरेटर बस का मतलब क्या होता है, पीबी बस। तो जनरेटर बस पे क्या क्या स्पेसिफाइड होता है, कौन कौन से वेरिएबल नोन होते हैं, पी एंड बी। जैकोबियन मैट्रिक्स की साइज देखने के लिए हमें टोटल पी पता होना चाहिए, कितने स्पेसिफाइड है, कितने नोन वेरिएबल है पी टोटल, और कितने हैं क्यू टोटल नोन वेरिएबल स्पेसिफाइड। पी एंड क्यू से मतलब है, बाकी ये वेरिएबल जो भी स्पेसिफाइड है उससे मतलब नहीं है, जैकोबियन मैट्रिक्स की साइज में पी एंड क्यू चाहिए होता है। तो 20 बसेस हैं जनरेटर बस, 20 बसेस आर जनरेटर बस, दैट इज पीबी बस। 20 बसेस तो क्या हो गए, पीबी बस। 25 बसेस आर वंस विथ रिएक्टिव पावर सपोर्ट, इसका क्या मीनिंग है, रिएक्टिव पावर सपोर्ट ये क्यों यूज करते हैं हम, कंपेंसेशन, रिएक्टिव पावर सपोर्ट मींस वीएआर कंपेंसेशन, तो ये वीएआर कंपेंसेशन क्यों यूज करते हैं, नोट कर लिया, ये नोट कर लिया, यस सर। 25 बसेस आर वंस विद रिएक्टिव पावर सपोर्ट, इसका मीनिंग क्या है, जैसे ये रिसीविंग एंड पर रिएक्टिव पावर सपोर्ट यूज किया जा रहा है, वीएआर कंपेंसेशन, रिएक्टिव पावर सपोर्ट क्यों लगाया जाता है, ये वीआर कंपेंसेशन टू मेंटेन द वोल्टेज प्रोफाइल, वोल्टेज प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं वीएआर कंपेंसेशन। तो वोल्टेज वहां मेंटेन हो जाता है कांस्टेंट, सेम वोल्टेज प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है वीएआर कंपेंसेशन। तो जब वीआर कंपेंसेशन यूज करते हैं तो वोल्टेज स्पेसिफाई, वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, लाइन में हर बस पे एक जैसा वोल्टेज, लाइन में वोल्टेज सेम मेंटेन करना है, सेम वोल्टेज प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं वीएआर कंपेंसेशन को। तो लिखिए 25 बसेस आर, इसका मीनिंग क्या है, 25 बसेस आर वंस विद रिएक्टिव पावर सपोर्ट मींस, 25 बसेस आर वंस विद रिएक्टिव पावर सपोर्ट मींस यूजिंग वीएआर कंपेंसेशन, मींस यूजिंग वीएआर कंपेंसेशन, वीएआर कंपेंसेशन voltage is maintained constant, इसका मतलब voltage constant maintain है, तो V specified हो जाएगा, और V specified हो गया तो ये कौन से buses होंगे, 25 buses are, V इस पे known variable हो गया, मतलब ये कौन से buses हो गए, PB bus, 25 buses are क्या हो गए, PB bus, क्योंकि V specified हो गया, V specified हो गया, तो ये कौन से बसेस हो जाएंगे, जनरेटर बस, पीबी बस। ये हो गए 25 बसेस आर पीबी बस। फिर बोला गया है 15 बसेस आर वंस विद फिक्स्ड शंट कैपेसिटर, 15 बसेस आर वंस विद फिक्स्ड शंट कैपेसिटर, तो 15 बसेस हैं विद फिक्स्ड शंट कैपेसिटर। शंट कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं, ये लोड है, ये शंट कैपेसिटर है, ये फिक्स कर दिया शंट कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी क्या लिखेंगे, माइनस जे क्यू सी, और ये होगा लोड पीएल प्लस जे क्यू एल। तो यहां रिसीविंग एंड पर टोटल रिएक्टिव पावर कितना होगा, क्यू एल माइनस क्यू सी, क्यू इज इक्वल टू क्यू एल माइनस क्यू सी। अब ये जो क्यू सी होगा, ये तो फिक्स हो गई ना वैल्यू क्यू सी की, क्योंकि फिक्स्ड है शंट कैपेसिटर, फिक्स शंट कैपेसिटर क्यू से फिक्स हो गया, तो ओवरऑल जो क्यू है ये फिक्स हो गया,
ओवरऑल जो क्यू होगा वो फिक्स हो जाएगा. क्यू फिक्स होने का मतलब क्यू स्पेसिफाइड हो गया, क्यू की वैल्यू क्या हो गई स्पेसिफाइड, क्यू नॉन वेरिएबल में आ जाएगा. क्यू फिक्स हो गया, क्यू की वैल्यू पता चल जाएगी. तो 15 बसेस विद फिक्स्ड शंट कैपेसिटर मींस क्यू इज फिक्स्ड, क्यू फिक्स हो गया स्पेसिफाइड हो गया. सो ये जो 15 बसेस होंगे आर 15 बसेस आर पी क्यू बस, ये कौन से बस हो जाएंगे लोड बस. क्यू कहां स्पेसिफाइड होता है लोड बस पे, पी क्यू बस पे. तो ये 15 बसेस हो जाएंगे पी क्यू बस. फिर बोला गया है इसमें ऑल अदर आर लोड बस, बाकी के जो बच गए अब 300 बसेस में से अब जो बाकी के बचे हुए हैं वो सभी क्या बोले लोड बस है. ऑल अदर आर लोड बसेस, तो कितने बच गए रिमेनिंग आर रिमेनिंग बसेस जो बच गए लोड बस कितने हैं रिमेनिंग कितने हैं 300 माइनस माइनस 20 माइनस 25 माइनस 15 बाकी के जो बच गए वो सब क्या हो जाएंगे लोड बस. तो कितने बच गए टोटल बसेस 20 माइनस 25 माइनस 15 बचेंगे कितने 45 और ये 15 60 तो 240 बसेस आर लोड बस दैट इज पी क्यू बस मींस पी क्यू बस लोड बस होता है पी क्यू बस. तो 240 बसेस हो गए पी क्यू बस, बाकी के जो बचे हुए 240 बसेस हैं वो हो जाएंगे पी क्यू बस. अब देखना ये है जैकोबियन मैट्रिक्स के लिए कितने टोटल पी स्पेसिफाइड है और कितने टोटल क्यू स्पेसिफाइड है. तो पी क्यू बस टोटल कितने हो गए, टोटल पी क्यू बसेस कितने हो जाएंगे टोटल पी क्यू बसेस 240 तो ये हो गए पी क्यू बस और 15 ये थे पी क्यू बस. तो 240 प्लस 15 255 हो गए पी क्यू बसेस. नंबर ऑफ PQ बस लोड बस टोटल कितने 255 तो ये हो गए PQ बसेस. PB बसेस कितने हैं 25 जनरेटर बस है 25 हैं ये जनरेटर बस और ये जो 20 बस थे ये भी जनरेटर बस है PB बस. तो टोटल PB बस कितने हो गए टोटल PB बसेस जनरेटर बसेस 20 प्लस 25 दैट इज ये हो गए 45. As we know, in the power system, at least one bus is slack bus. एक बस क्या होता है रेफरेंस बस और स्लैक बस. और वो रेफरेंस बस और स्लैक बस हम किसको लेते हैं जनरेटर बस को. पावर सिस्टम में कम से कम वन ऑफ द जनरेटर बस एक जनरेटर बस क्या होता है स्लैक बस जिसको बोलते हैं V डेल्टा बस वो एक जनरेटर बस ही होती है. तो टोटल जनरेटर बस है 45. इन 45 जनरेटर बस में से एक बस तो कौन सी हो जाएगी स्लैक बस. वन ऑफ द जनरेटर बस इज स्लैक बस जिसको बोलेंगे रेफरेंस बस. तो 45 में से एक तो क्या हो जाएगा स्लैक बस. वन इज स्लैक बस. एक बस तो हो गया स्लैक बस. तो बचे कितने जनरेटर बस. सो स्लैक बस का मतलब वी डेल्टा बस. सो पीवी बसेस कितने रह गए 44. जनरेटर बस कितने रह जाएंगे 44 क्योंकि इन 45 में से एक तो स्लैक बस हो जाएगा. तो एक हो गया स्लैक बस 44 हो गए पीवी बस बाकी के 255 है पीक्यू बस. अब पीवी बस पे पी स्पेसिफाइड होता है एंड पी क्यू बस पे पी एंड क्यू स्पेसिफाइड होता है. तो टोटल पी स्पेसिफाइड कितने हो गए इस पी बी बस पे नंबर ऑफ पी स्पेसिफाइड कितने हैं कितने पी स्पेसिफाइड होंगे एक पी बी बस पे एक पी स्पेसिफाइड. तो 44 पी बी बसेस पे कितने पी स्पेसिफाइड हो गए 44. एक जनरेटर बस पे एक पी बी बस पे एक पी स्पेसिफाइड होता है. तो 44 है पी बी बस तो कितने P स्पेसिफाइड होंगे इस जनरेटर बस 44 बस पे. हमें P स्पेसिफाइड से मतलब है एंड Q स्पेसिफाइड क्योंकि जैकोबियन मैट्रिक्स की साइज होती है टोटल नंबर ऑफ P स्पेसिफाइड प्लस टोटल नंबर ऑफ Q स्पेसिफाइड. तो PB बस 44 है थे तो 45 लेकिन
इन 45 जनरेटर बस में से एक बस तो कौन सा होता है? सिलेक्ट बस। तो वो हटा देंगे एक बस, सिलेक्ट बस, वो होना जरूरी है सिस्टम में, रेफरेंस बस। बच गए जनरेटर बस 44। अब इन पीबी बस जो 44 है, इसमें 44 पीबी बस में कितने पी स्पेसिफाइड है? 44। तो नंबर ऑफ पी स्पेसिफाइड यहां पर है 44। ऐसे ही फिर टोटल पीक्यू बस है 255। पीक्यू बसेस है 255, इस पे पी स्पेसिफाइड होंगे एंड क्यू स्पेसिफाइड। एक लोड बस पे एक पी स्पेसिफाइड होगा, एक क्यू स्पेसिफाइड होगा। ऐसे कितने लोड बस है? 255। तो कितने पी स्पेसिफाइड होंगे इस लोड बस पे? कितने पी स्पेसिफाइड होंगे? 255 पी स्पेसिफाइड एंड 255 क्यू स्पेसिफाइड। तो यहां पर बोलेंगे नंबर ऑफ पी स्पेसिफाइड 255 एंड नंबर ऑफ क्यू स्पेसिफाइड, नंबर ऑफ क्यू स्पेसिफाइड ये भी कितने हैं? 255, क्योंकि पी क्यू बस पे पी स्पेसिफाइड होता है, क्यू स्पेसिफाइड। तो कितने पी स्पेसिफाइड हो गए टोटल? 255 या और क्यू स्पेसिफाइड 255। तो टोटल नंबर ऑफ पी स्पेसिफाइड कितने बन रहे हैं? यहां पर है पी स्पेसिफाइड 44, यहां पर है पी स्पेसिफाइड 255। तो टोटल नंबर ऑफ पी स्पेसिफाइड कितने हो जाएंगे? 255 प्लस 44 299। एंड टोटल नंबर ऑफ क्यू स्पेसिफाइड कितने हैं? 255। तो यहां से m आ जाएगा, जो होता है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ p स्पेसिफाइड प्लस टोटल नंबर ऑफ q स्पेसिफाइड। तो यहां बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ p स्पेसिफाइड, टोटल नंबर ऑफ p स्पेसिफाइड वो कितने बन रहे हैं? ये बन रहे हैं 44 प्लस 255, दैट इज 299। एंड टोटल नंबर ऑफ q स्पेसिफाइड, टोटल नंबर ऑफ क्यू स्पेसिफाइड ये कितने हैं? क्यू स्पेसिफाइड कितने बन रहे हैं? 255। तो ये है 255, 299 ये 255। नाउ तो एम क्या हो जाएगा? साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स होता है एम क्रॉस एम। एम क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पी स्पेसिफाइड प्लस टोटल नंबर ऑफ क्यू स्पेसिफाइड। एम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पी स्पेसिफाइड प्लस टोटल नंबर ऑफ क्यू स्पेसिफाइड। ये होता है टोटल पी स्पेसिफाइड कितने हैं? 299 प्लस टोटल क्यू कितने स्पेसिफाइड हैं? 255। कितना आ गया ये एम का वैल्यू? एम इक्वल टू क्या आ गया? 299 प्लस 255 ये 4, 4, 5, 4 और 1, 5, 5, 5, 4 कितना आ गया? 554, 554 आ गया m। क्या होता है साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स? जैकोबियन मैट्रिक्स की साइज होती है m क्रॉस m। m का मतलब टोटल p स्पेसिफाइड प्लस टोटल q स्पेसिफाइड। तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स, जैकोबियन मैट्रिक्स एम क्रॉस एम मींस 5, 5, 4 क्रॉस 5, 5, ये होगा साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स। इसी को बोलते हैं साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स या नंबर ऑफ इक्वेशन जो बन रहे हैं। मैट्रिक्स जो बनता है जैकोबियन मैट्रिक्स वो क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशियल होता है एन नंबर ऑफ इक्वेशंस का, न्यूटन रैप्सन से जो बनता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन इक्वेशंस। क्लियर है? एक तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन एक या तो ऐसा आता है लोड फ्लो से जैकोबियन मैट्रिक्स की साइज पूछते हैं, बाकी और देखते हैं। देखो इसके क्वेश्चन A 183 बस पावर सिस्टम
183 वाज पावर सिस्टम, पावर सिस्टम हैज 150 पी क्यू, हैज 150 पी क्यू बसेस एंड 32 पीबी बसेस, 32 पीबी बसेस. इन द जनरल केस टू ऑब्टेन द लोड फ्लो सॉल्यूशन, जनरल केस टू ऑब्टेन द लोड फ्लो सॉल्यूशन, टू ऑब्टेन द लोड फ्लो सॉल्यूशन यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, using Newton-Raphson method, the minimum number of simultaneous equation to be solved is, minimum number of equation, number of equation, minimum number of simultaneous equation to be solved. कितने number of equation होंगे minimum? तो देखिए number of equation वही होता है जैसे अभी आपको बताया था, size of Jacobian matrix होता है m cross m, m cross m. इसमें जो m है यही होता है minimum number of equation, number of equation required. ये जैकोबिन मैट्रिक्स का साइज बना कैसे, जैकोबिन मैट्रिक्स कैसे बनता है, एन नंबर ऑफ इक्वेशन से मिलकर, एन नंबर ऑफ इक्वेशन जो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया जाता है वही तो होता है जैकोबिन मैट्रिक्स का साइज, एम क्रॉस एम, एम होते हैं नंबर ऑफ इक्वेशन. तो एम देखना है, एम क्या होता है, नंबर ऑफ पी स्पेसिफाइड प्लस नंबर ऑफ के स्पेसिफाइड. तो वही कैलकुलेशन करनी है जो जैकोबिन मैट्रिक्स के साइज के लिए करते हैं. कितने नंबर ऑफ बसेज है टोटल सिस्टम में, 183 नंबर ऑफ बसेज ये हैं, n इज इक्वल टू 183 बोला गया है. इस 183 में से 150 तो हैं लोड बस, PQ बस, PQ बस कितने हैं 150, PQ बस पे कितने P स्पेसिफाइड होंगे 150, कितने Q स्पेसिफाइड होंगे 150, एंड 32 बस कितने PB बस, जनरेटर बस, PB बसेज हैं 32. 150 और 32 को ऐड किया तो कितना हुआ टोटल 182, 182 और टोटल बस है 183. मतलब जो बचा हुआ एक बस है वो क्या है, वो क्या है सिलेक्ट बस, रेफरेंस बस. जो एक बस है वो क्या होगा, सिलेक्ट बस और रेफरेंस बस, जिसके बारे में कुछ बोला नहीं गया है तो वो अंडर स्टूड है. वन ऑफ द जनरेटर बस, एक जो बस होगी वो क्या है सिलेक्ट बस. तो जो बाकी का बस है वन बस, वन बस इज सिलेक्ट बस, PB बस, ये V डेल्टा बस, PB बसेस हैं 32, PQ बसेस हैं 150. तो हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ P स्पेसिफाइड एंड टोटल नंबर ऑफ Q स्पेसिफाइड. तो M आ जाएगा, वहां से साइज भी आ जाएगा जैकोबिन मैट्रिक्स की और नंबर ऑफ इक्वेशन भी आ जाएगी. साइज होता है M क्रॉस M, M क्रॉस M. तो मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन किसके इक्वल होगा, M के इक्वल. जैसे 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3, इसमें टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितने बनेंगे, टोटल एलिमेंट कितने आते हैं मैट्रिक्स में 9 आएंगे. मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन क्या बनेगा, मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन क्या होगा, टोटल इक्वेशन है 9, मिनिमम इक्वेशन क्या बनेगी 3. एम के इक्वल होता है मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन. तो यहां से देखिए एम चाहिए तो पता करेंगे टोटल पी स्पेसिफाइड टोटल क्यू स्पेसिफाइड. 150 है पी क्यू बस, तो नंबर ऑफ पी स्पेसिफाइड कितने हैं इस पे 150, नंबर ऑफ क्यू स्पेसिफाइड कितने हैं यहां पर, नंबर ऑफ क्यू स्पेसिफाइड ये कितने हैं 150, पीवी बसेस कितने हैं
32 P बस पे कितना P स्पेसिफाइड होगा, 32 P स्पेसिफाइड, तो नंबर ऑफ P स्पेसिफाइड यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ P स्पेसिफाइड 32. टोटल P स्पेसिफाइड कितने हो गए, 150 प्लस 32 182. सो टोटल नंबर ऑफ P स्पेसिफाइड एंड टोटल नंबर ऑफ क्यू स्पेसिफाइड कितना है, टोटल नंबर ऑफ क्यू स्पेसिफाइड क्या है, क्यू तो कितने स्पेसिफाइड है, 150, ये है 150, पी स्पेसिफाइड 182. नाउ एम, एम क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पी स्पेसिफाइड प्लस टोटल नंबर ऑफ क्यू स्पेसिफाइड, तो एम आ जाएगा 150 प्लस 182, यहां से आंसर आ जाएगा ये. एम इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पी स्पेसिफाइड प्लस टोटल नंबर ऑफ क्यू स्पेसिफाइड, नंबर ऑफ क्यू स्पेसिफाइड कितनी है, टोटल पी स्पेसिफाइड 182, टोटल क्यू स्पेसिफाइड 150, कितना हो गया 332. साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स क्या हो गया, साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स, यहां जैकोबियन मैट्रिक्स की साइज क्या है, एम क्रॉस एम, तो ये तो हो गया 332 क्रॉस 332. एंड मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हो गए, 332. ये आ जाएगा एम के इक्वल इज इक्वल टू 332. ये हो जाएंगे मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशंस, 332 आ गए इक्वेशंस इसमें. क्लियर है, तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है जैकोबिन मैट्रिक्स के साइज के रिगार्डिंग, और देखिए अब इसमें और क्वेश्चन कैसे बनेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया, यस सर. The Bybus matrix, Bybus matrix of a 100 bus interconnected, 100 bus interconnected system is 90% sparse, 90% sparse. भी देखेंगे क्या मीनिंग है इसका. The total number of transmission line in the system, total number of transmission line in the system is, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है गेट फाइव. टोटल नंबर ऑफ कितने ट्रांसमिशन लाइन होंगे सिस्टम में, बस एडमिटेंस मैट्रिक्स ऑफ ए 100 बस इंटरकनेक्टेड सिस्टम, कैसा बोला गया है, बस एडमिटेंस मैट्रिक्स 90% एलिमेंट्स उसके स्पार्स हैं, 90% स्पार्स. स्पार्स का मतलब होता है, दैट इज 90% स्पार्स का मीनिंग है, means 90% elements
ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो, 30% स्पार्स तो 30% एलिमेंट क्या होंगे जीरो, 90% स्पार्स तो 90% एलिमेंट जीरो, स्पार्स का मतलब उतने परसेंट एलिमेंट जीरो है, ये मीनिंग होता है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पूछे इस सिस्टम में कितने होंगे, तो देखिए इसको तरीका क्या है चेक करने का, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंटरकनेक्टेड सिस्टम बोला है इसका क्या मतलब होता है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम का मीनिंग क्या है, अगर कोई बोला जा रहा है सिस्टम इंटरकनेक्टेड है इसका मीनिंग क्या है। जैसे सपोज ये 4 बस का सिस्टम है, इस पर ये लाइन कनेक्टेड है, नंबर ऑफ बसेज ये 4 है, इन पर ये ट्रांसमिशन लाइन जा रहे हैं, अगर आपसे बोला जाए क्या ये अभी सिस्टम इंटरकनेक्टेड है, ये सिस्टम अभी इंटरकनेक्टेड है, ये ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट कर दिए इन 4 बसेस पे, क्या ये अभी सिस्टम इंटरकनेक्टेड है? नो सर, नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड है अभी। इंटरकनेक्टेड का मतलब होता क्या है, इंटरकनेक्टेड मींस होता है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम मींस इसका मीनिंग होता है दैट इज एट लीस्ट वन ट्रांसमिशन लाइन एट ईच बस, हर बस पे कम से कम एक लाइन कनेक्ट हो सिस्टम में, अगर हर बस पे कम से कम एक ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट है दैट इज वो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, मींस वो इंटरकनेक्टेड है सिस्टम। तो देखिए ये बस पे एक लाइन तो है ही कम से कम, इस बस पे भी कम से कम एक लाइन आ रहा है, इस बस पे भी कम से कम एक लाइन कनेक्टेड है, इस बस पे भी कम से कम एक लाइन कनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड का मतलब ये नहीं है कि पूरा क्लोज करना है इसको, जैसे यहाँ पर भी एक और बस एक और लाइन दिखाया जाए, ये नहीं है। इंटरकनेक्टेड का मीनिंग होता है एटलीस्ट वन ट्रांसमिशन लाइन एट ईच बस। तो ये जो सिस्टम दिया गया है 100 बस का सिस्टम, 100 बस से बना हुआ है बस एडमिटेंस मैट्रिक्स, इंटरकनेक्टेड बोल दिया तो हर बस पे एक ट्रांसमिशन लाइन तो कनेक्ट है ही, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पूछे क्या होंगे इस सिस्टम में, क्या मीनिंग है देखिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या होगा, 100 बसेस हैं तो 100 बस सिस्टम के लिए बाय बस मैट्रिक्स क्या बनेगा 100x100 ऑर्डर का, जैसे 3 बस सिस्टम का एडमिटेंस मैट्रिक्स बनाते हैं तो ऑर्डर क्या होता है 3x3, 3 बस के सिस्टम के लिए एडमिटेंस मैट्रिक्स बनाते हैं ऑर्डर आता है 3x3, तो 100 बस के सिस्टम का बस एडमिटेंस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 100x100। जब बाय बस बनाया जाता है 3x3 3 बस के सिस्टम का, तो कितने एलिमेंट आते हैं उस मैट्रिक्स में, 9 एलिमेंट आ जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आते हैं 9 एलिमेंट्स। ऐसे ही 100 बस के सिस्टम का बस एडमिटेंस मैट्रिक्स अगर बना रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे कितने, 100 × 100 दैट इज 10,000 एलिमेंट। तो इस बस एडमिटेंस मैट्रिक्स 100 बस का जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं कितने, 10,000, और वो बस एडमिटेंस मैट्रिक्स की इंफॉर्मेशन गिवन है क्या, इस बस एडमिटेंस मैट्रिक्स में 90% एलिमेंट कैसे है स्पार्स, 90% स्पार्स है ये बस एडमिटेंस मैट्रिक्स, 90% स्पार्स का मतलब जो टोटल एलिमेंट होंगे 10,000 उसमें से 90% एलिमेंट जीरो हैं, स्पार्स का मतलब जीरो हैं, तो 10,000 का 90% कितना हो गया 9,000 एलिमेंट, तो 9,000 एलिमेंट तो यहाँ जीरो ही हो जाएंगे, बचे कितने 9,000 अगर जीरो हो गए तो 1,000 एलिमेंट बच गए, कौन से बच गए जो नॉन जीरो होंगे, नॉन जीरो एलिमेंट कितने बचेंगे 1,000, 10,000 में से 9,000 तो जीरो ही है, स्पार्स बोला गया जीरो है, 1,000 एलिमेंट जो बच गए वो कैसे नॉन जीरो एलिमेंट, तो यहां लिखेंगे इसमें बस एडमिटेंस मैट्रिक्स 100 बस का, तो बाय बस का ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ बाय बस 100x100 दैट इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 10,000, आउट ऑफ 10,000 90% एलिमेंट तो जीरो है, 90% स्पार्स मीन्स लिखना, 90% एलिमेंट्स
आर जीरो, 90% एलिमेंट्स आर जीरो एंड 10% एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, ये भी बोल सकते हैं, और 10% एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, जो बच गए वो नॉन जीरो एलिमेंट है। कितने बच गए? 10%। 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000। तो बचे हुए 1,000 एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे? नॉन जीरो एलिमेंट होंगे। जो बच गए 1,000 एलिमेंट वो क्या होंगे? नॉन जीरो एलिमेंट। क्या लिखना? टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इज इक्वल टू 1,000। टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स ये होंगे 1,000, ये होंगे 1,000। अब देखिए जरा, जैसे हम ये बस एडमिटेंस मैट्रिक्स बनाते हैं 3x3 थ्री बस के पावर सिस्टम के लिए, तो कितने एलिमेंट आते हैं? 9 एलिमेंट आते हैं। ये वाला एलिमेंट होता है, ये एलिमेंट, ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट। ये क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट। और बाकी के जो बचे हुए वो क्या होते हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो मैट्रिक्स में, बस एडमिटेंस मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो क्या होता है, याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था, ith बस पे डायगोनल एलिमेंट लिखा था। तो क्या बोला था? ith बस पे इस yii को हम कैसे पढ़ रहे थे? yii या तो इसे डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, और क्या बोल रहे थे? टोटल एडमिटेंस इंसिडेंट एट ith बस, ith बस पे टोटल एडमिटेंस इंसिडेंट, मतलब इस ith बस पे जितने भी लाइन कनेक्ट है उन सभी के एडमिटेंस का सम, ये होता है डायगोनल एलिमेंट का मतलब। ith बस का डायगोनल एलिमेंट बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? ith बस पे जितने भी ट्रांसमिशन लाइन आ रहे हैं उन सभी के एडमिटेंस का सम। अगर जैसे y11 लिख रहे हैं, y11 फर्स्ट बस पर जितने भी लाइन कनेक्ट है उन सभी के एडमिटेंस का सम, तो ये क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट। टोटल एडमिटेंस इंसिडेंट एट ए पर्टिकुलर बस, वो होता है डायगोनल एलिमेंट। तो यहां देखिए क्वेश्चन में बोला है इंटरकनेक्टेड सिस्टम है ये। इंटरकनेक्टेड सिस्टम का मतलब हर बस पे कम से कम एक लाइन तो कनेक्ट है, हर बस पे कम से कम एक लाइन कनेक्ट है, तो बताइए ये डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू जीरो होगी क्या? इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू जीरो होगा क्या? नो। जब हर बस पे कम से कम एक लाइन कनेक्टेड है तो उस एक लाइन का एडमिटेंस तो आएगा ही। और डायगोनल एलिमेंट क्या है? जैसे फर्स्ट बस के लिए y11 निकाल रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट y11, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट बस पे जितने भी लाइन कनेक्ट है उन सभी के एडमिटेंस का सम, तो फर्स्ट बस पे कम से कम एक लाइन तो आ ही रहा है, तो ये डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू जीरो तो होगी नहीं। सिमिलरली y22 की वैल्यू जब निकालेंगे, y22 का मतलब सेकंड बस पे जितने भी ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट है उन सभी के एडमिटेंस का सम, तो सेकंड बस पे कम से कम एक लाइन तो है, तो इसका एडमिटेंस जीरो तो आएगा नहीं। ऐसे कितने हैं डायगोनल एलिमेंट 100 बस के सिस्टम में? 3 बस का सिस्टम होता है तो 3 डायगोनल एलिमेंट, 100 बस के सिस्टम में 100 क्या आएंगे? डायगोनल एलिमेंट। y100 भी नॉन जीरो होगा, इसकी वैल्यू भी जीरो नहीं होगी। तो 100 आ रहे हैं डायगोनल एलिमेंट 100 बस के सिस्टम में, 100 बस का सिस्टम है तो 100x100 ऑर्डर है बस एडमिटेंस मैट्रिक्स का, उसमें 100 एलिमेंट्स क्या होंगे? डायगोनल एलिमेंट। और ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये कैसे होंगे? नॉन जीरो वैल्यू वाले, नॉन जीरो। टोटल नॉन जीरो एलिमेंट हमारे पास 1000 है, इस 1000 में से 100 तो कौन से हो जाएंगे? डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू नॉन जीरो है, वो कितने हैं नॉन जीरो वैल्यू वाले? डायगोनल एलिमेंट 100, और टोटल नॉन जीरो एलिमेंट है 1000, तो 1000 में से 100 तो क्या हो गए? डायगोनल एलिमेंट। बाकी के जो बच गए एलिमेंट वो सब क्या होंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट, वो भी नॉन जीरो ही होंगे, लेकिन वो कौन से होंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो 1000 में से 100 तो हो गए डायगोनल एलिमेंट, बाकी बच गए वो 900 जो बच गए वो क्या हो गए? नॉन डायगोनल, नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन डायगोनल, नॉन जीरो एलिमेंट। अब देखो ट्रांसमिशन लाइन कितने होंगे टोटल, ये कैसे बताते हैं? तो लिखना इसको, इसको लिखिए, आउट ऑफ 1000 नॉन जीरो एलिमेंट, आउट ऑफ 1000 नॉन जीरो एलिमेंट, आउट ऑफ 1000 नॉन जीरो एलिमेंट,
100 एलिमेंट्स आर डायगोनल एलिमेंट्स 100 एलिमेंट्स आर डायगोनल एलिमेंट ब्रैकेट में लिख लेना नॉन जीरो, ये जीरो नहीं होंगे डायगोनल एलिमेंट, 100 एलिमेंट्स आर डायगोनल एलिमेंट, 100 एलिमेंट्स आर डायगोनल एलिमेंट्स ब्रैकेट में लिख लेना नॉन जीरो। तो जो बच गए नॉन जीरो नॉन डायगोनल एलिमेंट वो कितने होंगे, नॉन जीरो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स टोटल नॉन जीरो एलिमेंट 1000, इस 1000 में से 100 तो हो गए डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट माइनस कर दो टोटल नॉन जीरो एलिमेंट से, तो जो बच गए वो क्या हो गए नॉन जीरो नॉन डायगोनल एलिमेंट वो कितने हो गए 900। तो नॉन जीरो नॉन डायगोनल एलिमेंट आ गए 900। अब देखिए वन ट्रांसमिशन लाइन का मीनिंग क्या होता है, पूछा गया है क्वेश्चन में टोटल ट्रांसमिशन लाइन कितने होंगे सिस्टम, तो देखिए कैसे बताएंगे एक ट्रांसमिशन लाइन का मीनिंग क्या है। ये जो नॉन जीरो नॉन डायगोनल एलिमेंट आ रहे हैं ये क्या बताता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट हमें क्या बताता है, देखिए नोट कर लिया है? ये नोट कर लिया, नोट कर लिया है? जैसे ये सिस्टम है टू बसेस हैं, ये एक ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट है, ये है बस वन और ये है बस टू। सपोज जैसे हम मैट्रिक्स में लिखते हैं बस एडमिटेंस मैट्रिक्स में ऐसे लिखते हैं Y11, Y12, Y13, थ्री बस के सिस्टम की बात करेंगे 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3 ऐसे लिखते हैं। कैपिटल Y12 और कैपिटल Y21 ये इक्वली होती है ना दोनों वैल्यू, कैपिटल Y12 माइनस स्मॉल Y12, कैपिटल Y21 ये भी माइनस का स्मॉल Y12, स्मॉल Y12 स्मॉल Y21 ये इक्वली होते हैं वैल्यू। अब देखो एडमिटेंस बिटवीन लाइन 1 एंड 2 क्या लिखते हैं Y12, या बोले एडमिटेंस बिटवीन लाइन 2 एंड 1 Y21 इक्वली होते हैं, ये दोनों सेम ही होते हैं, ये दोनों तो इक्वली होते हैं, कैपिटल Y12 कैपिटल Y21 बोथ आर सेम, ये इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वन ट्रांसमिशन लाइन में कितने नॉन जीरो नॉन डायगोनल एलिमेंट आते हैं, दो। वन ट्रांसमिशन लाइन में कितने नॉन जीरो नॉन डायगोनल एलिमेंट आते हैं, आइदर Y12 और Y21। एक ट्रांसमिशन लाइन में दो होते हैं नॉन जीरो नॉन डायगोनल एलिमेंट। वन ट्रांसमिशन लाइन जैसे 1 और 2 के बिटवीन ये लाइन है, इसके लिए एडमिटेंस Y12 भी होगा Y21 भी होगा, 2 से 1, 1 से 2। तो वन ट्रांसमिशन लाइन कितने नॉन जीरो नॉन डायगोनल होते हैं उसमें, दो। हमारे पास टोटल नॉन जीरो नॉन डायगोनल एलिमेंट कितना है 900। क्या कंक्लूजन मिला यहां से, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज इक्वल टू क्या होता है, इसको याद रख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कितने आ गए सिस्टम में, नंबर ऑफ नॉन जीरो नॉन डायगोनल एलिमेंट डिवाइड बाय 2 नंबर ऑफ नॉन जीरो नॉन डायगोनल एलिमेंट डिवाइड बाय 2 ये होता है टोटल नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो नॉन डायगोनल एलिमेंट डिवाइड बाय 2 क्योंकि एक लाइन में दो आ रहे हैं नॉन जीरो नॉन डायगोनल एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो नॉन डायगोनल एलिमेंट डिवाइड बाय 2 कितना है नंबर ऑफ नॉन जीरो नॉन डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू 900, तो ये आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 450 ट्रांसमिशन लाइन। नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम में कितने बनेंगे 450। क्लियर है, बताइए कैसे चेक करेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन किसी सिस्टम में कितने हैं, तो उसके लिए क्या देखना है कितना है टोटल नॉन जीरो नॉन डायगोनल एलिमेंट उसका हाफ कर दो तो वो आ जाएगा ट्रांसमिशन लाइन। बताइए क्लियर है? यस सर क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. द बस एडमिटेंस मैट्रिक्स ऑफ ए बस एडमिटेंस मैट्रिक्स ऑफ ए थ्री बस सिस्टम ऑफ ए थ्री बस सिस्टम वाई इक्वल टू माइनस 13 जे, जे बाहर लिखा हुआ है सभी के लिए, 10 जे 5, 10 माइनस 18 10, 5 10 एंड माइनस 13, 5 10 माइनस 13. इफ ईच ट्रांसमिशन लाइन बिटवीन द टू बसेस Each transmission line between the two buses is represented by an equivalent pi model. Pi model से represent करें हर line को. The magnitude of the shunt susceptance of the shunt susceptance of line of the line connecting between line connecting between line connecting between bus 1 and 2 is bus 1 and 2 is shunt susceptance की value पूछी है. admittance क्या होता है? conductance plus susceptance. ये होता है ससेप्टेंस. ससेप्टेंस क्या होता है? वन अपॉन रिएक्टेंस. ससेप्टेंस क्या होता है? वन बाय रिएक्टेंस. ये पूछा गया है क्या होगा वैल्यू.
शंट ससेप्टेंस की वैल्यू, मतलब एक तरीके से शंट एडमिटेंस ही पूछा है, क्योंकि ये एडमिटेंस इज गिवन है, रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस तो है नहीं। जैसे लाइन अगर रिएक्टिव है तो रिएक्टेंस का इनवर्स, इसका इंपीडेंस तो जेड एक्स के इक्वल है, एडमिटेंस क्या होगा 1 बाय जेड, 1 बाय जेड का मतलब 1 बाय एक्स है, और 1 बाय एक्स क्या होता है ससेप्टेंस, दैट इज एडमिटेंस, ससेप्टेंस के इक्वल है। तो एक तरीके से शंट एडमिटेंस ही पूछा गया है वन और टू लाइन के बिटवीन, ये मीनिंग है, लाइन वन और टू के बिटवीन पूछा है उसने शंट ससेप्टेंस की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड वैल्यू। तो देखिए क्वेश्चन बोला है थ्री बस का सिस्टम है, सपोज ये है थ्री बस का सिस्टम, बस वन, बस टू एंड बस थ्री। ये ट्रांसमिशन लाइन आ रहा है बिटवीन वन एंड टू, वन एंड थ्री, थ्री एंड टू, ये है थ्री बसेस। ईच लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई मॉडल, तो लाइन वन और टू के बीच में जो है ट्रांसमिशन लाइन, इसको पाई मॉडल से दिखा दो, इसको भी पाई मॉडल, इसका भी पाई मॉडल। बिटवीन बस वन एंड टू ट्रांसमिशन लाइन रिप्रेजेंट बाय इक्विवेलेंट पाई मॉडल, इक्विवेलेंट पाई मॉडल, लाइन को इक्विवेलेंट पाई मॉडल से दिखाएं। क्या होता है इक्विवेलेंट पाई मॉडल? टोटल सीरीज इंपीडेंस एट द सेंटर, एडमिटेंस हाफ ऑफ एट द कॉर्नर्स। तो सीरीज इंपीडेंस को कैसे लिखेंगे? सीरीज इंपीडेंस होगा जैसे वन और टू के बीच में जेड वन टू, लेकिन हम क्या यूज करेंगे वाई वन टू, वो हो जाएगा वन अपॉन जेड वन टू, बिकॉज हमें एडमिटेंस मैट्रिक्स ड्रॉ करना है, एडमिटेंस मैट्रिक्स के लिए एडमिटेंस चाहिए ना कि इंपीडेंस। तो यहाँ जो सीरीज इंपीडेंस होगा उसको कन्वर्ट कर लेंगे इस तरीके से वाई वन टू एडमिटेंस, ये शंट एडमिटेंस फर्स्ट बस और ग्राउंड के बिटवीन, ये शंट एडमिटेंस सेकंड बस और ग्राउंड के बिटवीन। क्या लिखते हैं? फर्स्ट बस के साइड वाला शंट ब्रांच का एडमिटेंस y120, सेकंड बस के तरफ वाले एडमिटेंस को क्या लिखते हैं y210। याद कीजिए लिखा था फर्स्ट क्लास में, क्या लिखा था yij0 yji0, और ये दोनों वैल्यू इक्वल होते हैं, ये दोनों वैल्यू ही क्या होते हैं इक्वल। ये तो हो गया y12, ये y120, ये y210, ये इस लाइन का पाई मॉडल है, ऐसा ही इस लाइन का बनेगा, इस लाइन का भी बनेगा पाई मॉडल, ये पाई मॉडल तीनों लाइन के लिए आ जाएंगे इस तरीके से। टोटल सीरीज इंपीडेंस कितना है? टोटल सीरीज इंपीडेंस की जगह यहां क्या बोल रहे हैं एडमिटेंस, क्योंकि बस एडमिटेंस मैट्रिक्स की बात हो रही है। टोटल सीरीज एडमिटेंस कितना है वन और टू के बिटवीन वाई वन टू, टोटल शंट एडमिटेंस वो कितना है वाई वन टू नॉट प्लस वाई टू वन नॉट, और y120 y210 इक्वल होगा तो वो डबल हो जाएगा। यहां लिखेंगे टोटल सीरीज एडमिटेंस बिटवीन लाइन 1 एंड 2, बिटवीन बस 1 एंड 2, बस 1 एंड 2 कितना है, बिटवीन बस 1 एंड 2 कितना है टोटल शंट एडमिटेंस y12 सीरीज एडमिटेंस, टोटल शंट एडमिटेंस कितना है, टोटल शंट एडमिटेंस कितना है इस पर्टिकुलर लाइन के लिए, टोटल शंट एडमिटेंस क्या आएगा वाई वन टू नॉट प्लस वाई टू वन नॉट, वन टू नॉट प्लस वाई टू वन नॉट, एज वाई वन टू नॉट इक्वल टू वाई टू वन नॉट, तो इसको लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ वाई वन टू नॉट, लिख लेना एज वाई वन टू नॉट इक्वल टू क्या होता है वाई टू वन नॉट, एज वी नो वाई आई जे नॉट इज इक्वल टू वाई जे आई नॉट। तो ये होगा टोटल शंट एडमिटेंस इस लाइन का। ऐसे तीन लाइन है तो तीनों लाइन के पाई मॉडल बना दीजिए। पूछा क्या गया है ट्रांसमिशन लाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द शंट ससेप्टेंस ऑफ लाइन कनेक्टिंग बिटवीन वन एंड टू, वन और टू लाइन के बिटवीन जो लाइन लगाया गया है वन और टू बस के बिटवीन, उसका शंट ससेप्टेंस मतलब शंट एडमिटेंस पूछा टोटल, यही वैल्यू पूछी गई है कितनी होगी। तो तीनों लाइन का पाई मॉडल रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये वन ये टू, ये है वाई वन टू, ये है वाई वन टू नॉट, ये है वाई टू वन नॉट,
ये थर्ड बस फर्स्ट और थर्ड के बिटवीन भी लाइन कनेक्टेड है, फर्स्ट और थर्ड के बिटवीन जो लाइन है उसका सीरीज एडमिटेंस है Y13, ये थर्ड बस है। फर्स्ट बस के साइड वाला क्या हो जाएगा, शंट एडमिटेंस Y130, थर्ड बस के साइड वाला Y310। इस लाइन का भी पाई मॉडल बना देंगे, सेकंड और थर्ड के बिटवीन क्या आ जाएगा, टोटल सीरीज एडमिटेंस Y23 या Y32। सेकंड बस के साइड वाला शंट एलिमेंट क्या होगा, Y230। थर्ड बस के साइड वाला क्या होगा, Y320। ये होगा, ये आ जाएगा इस थ्री बसेस के लिए तीन ट्रांसमिशन लाइन का पाई मॉडल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। नाउ टोटल शंट एडमिटेंस बिटवीन बस वन एंड ग्राउंड कितना बन रहा है, बस वन और ग्राउंड के बिटवीन टोटल शंट एडमिटेंस क्या है, ये शंट ब्रांच फर्स्ट बस और ग्राउंड के बिटवीन है और ये भी शंट ब्रांच फर्स्ट बस और ग्राउंड के बिटवीन लगा हुआ है, तो टोटल शंट एडमिटेंस कितना बनेगा फर्स्ट बस और ग्राउंड के बिटवीन, इन दोनों का सब पैरेलल में एडमिटेंस ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा टोटल शंट एडमिटेंस बिटवीन बस वन एंड ग्राउंड Y120 प्लस Y130, जिसको हम बोलते हैं Y10। टोटल शंट एडमिटेंस बिटवीन बस वन एंड ग्राउंड से Y10, ये Y10 इसके इक्वल है Y120 प्लस Y130। ये आ जाएगा। सिमिलरली टोटल शंट एडमिटेंस बिटवीन बस टू एंड ग्राउंड कितना होगा, सिमिलरली टोटल शंट एडमिटेंस बिटवीन बस टू एंड ग्राउंड, सेकंड बस एंड ग्राउंड के बिटवीन कितना है, टोटल शंट एडमिटेंस कितना है सेकंड बस और ग्राउंड, Y210 प्लस Y230 से दिस वैल्यू इज Y210 प्लस Y230। सिमिलरली थर्ड बस एंड ग्राउंड के बिटवीन टोटल शंट एडमिटेंस से Y30 क्या होगा, Y310 प्लस Y320। ये हो जाएंगे टोटल शंट एडमिटेंस फर्स्ट बस एंड ग्राउंड, सेकंड बस एंड ग्राउंड, थर्ड बस एंड ग्राउंड, ये आ जाएगा। अब देखिए ये भी आपको लिखाया था मैंने, सम ऑफ रो किसी रो का सम करते हैं और वो रो का सम अगर जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो क्या बताता है हमें, उस बस पे और ग्राउंड के बिटवीन क्या कनेक्ट है, शंट एलिमेंट। अगर सम ऑफ ith रो जीरो आ रहा है मतलब उस पर्टिकुलर बस पे ith बस पे कोई भी शंट एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, सम ऑफ ith रो अगर जीरो नहीं आ रहा है तो वो सम ऑफ ith रो जो जीरो नहीं आ रही है वैल्यू, कुछ वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू क्या बताता है कि उस ith बस और ग्राउंड के बिटवीन शंट एलिमेंट कनेक्ट है। तो सम ऑफ रो से हमें मिलता है, सम ऑफ रो अगर जीरो नहीं है मतलब वो क्या बताता है, शंट एलिमेंट की वैल्यू, उस बस पे शंट एलिमेंट कनेक्ट है। तो यहां बोला जाए सम ऑफ फर्स्ट रो का सम करके देखो क्या आ रहा है, सम ऑफ फर्स्ट रो का सम करते हैं मैट्रिक्स का, क्या है फर्स्ट रो एडमिटेंस, -13j +10j +5j -13j +10j +5j, ये सम जीरो हो रहा है क्या, नहीं, प्लस का 15j माइनस का 13j प्लस का 2j बच रहा है, तो सम ऑफ फर्स्ट रो जीरो नहीं है और सम ऑफ फर्स्ट रो अगर जीरो नहीं है इसका मतलब जो वैल्यू आ रही है वो क्या वैल्यू बताता है सम ऑफ रो, उस पर्टिकुलर बस और ग्राउंड के बिटवीन शंट एलिमेंट। जैसे ये लिखाया था मैंने जनरलाइज फॉर्म में, सम ऑफ ith रो इज इक्वल टू क्या होता है, Y I0 शंट एलिमेंट इज इक्वल टू शंट एलिमेंट बिटवीन ith बस एंड ग्राउंड, ये लिखाया था, शंट एलिमेंट बिटवीन ith बस एंड ग्राउंड के बिटवीन शंट एलिमेंट है, ये बताता है।
सम ऑफ ith रो, तो फर्स्ट रो का सम कर रहे हैं तो फर्स्ट रो का सम जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो 2j बच रहा है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि फर्स्ट बस और ग्राउंड के बिटवीन क्या लगा हुआ है, शंट एलिमेंट। फर्स्ट बस और ग्राउंड के बिटवीन क्या लगा हुआ है, शंट एलिमेंट, वो तो लगा हुआ ही है शंट एलिमेंट। और उस शंट एलिमेंट की वैल्यू क्या है, y10, शंट एलिमेंट का वैल्यू क्या है y10। तो ये एक तरीके से 2j जो आया ये क्या आ गया, y10 का वैल्यू आ गया। ऐसे ही सेकंड रो का सम करो, सेकंड रो का सम करेंगे अगर वो जीरो नहीं आ रहा है मतलब वो क्या वैल्यू बता रहा है, सेकंड बस और ग्राउंड के बिटवीन शंट एलिमेंट कनेक्टेड। सम ऑफ सेकंड रो, सम ऑफ सेकंड रो कितना आ जाएगा, 10j माइनस 18j प्लस 10j, तो 20j माइनस 18j ये भी आ गया 2j, ये किसकी वैल्यू है, नथिंग बट शंट एलिमेंट बिटवीन सेकंड बस एंड ग्राउंड, आ जाएगा। सम ऑफ थर्ड रो कर देंगे, सम ऑफ थर्ड रो तो क्या आएगा, y3 नॉट कितना आ रहा है, ये भी जीरो नहीं आ रहा इसलिए y3 नॉट की वैल्यू आएगी, 5j प्लस 10j माइनस 13j, 5j प्लस 10j माइनस 13j, तो ये भी आ गया 2j। अब देखिए y1 नॉट, y2 नॉट, y3 नॉट, ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, ये तीनों इक्वल आ गए। हमने क्या लिखा था, y12 नॉट प्लस y13 नॉट किसके इक्वल था, y1 नॉट के, और y1 नॉट कितना आया 2j, इसका मतलब y12 नॉट प्लस y13 नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2j। सिमिलरली y21 नॉट प्लस y23 नॉट y2 नॉट के इक्वल है, y2 नॉट कितना आया 2j, ऐसे ही y31 नॉट प्लस y32 नॉट y3 नॉट के इक्वल है, दैट इज 2j। तो यहां से ये इक्वेशन आ जाएंगे, इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूं इक्वल टू 2j, इस इक्वेशन को भी लिख सकता हूं इक्वल टू 2j, और इस इक्वेशन को भी लिख सकता हूं इक्वल टू 2j। ये आ जाएगा, नोट कर लिया, नोट कर लिया, ये नोट कर लिया, हटा दो, कीजिए नोट कीजिए। देखिए आप लोगों को अगर कोई डाउट वगैरह आ रहा हो, कोई डाउट या क्वेश्चन वगैरह कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप लोग, जैसे मशीन्स का भी अगर डाउट हो आपको, कोई न्यूमेरिकल वगैरह पूछना हो, या पावर सिस्टम में भी किसी कोई भी न्यूमेरिकल किसी भी टॉपिक के पूछने हो तो आप पूछ सकते हो, क्वेश्चन आप मेरे को कर सकते हो व्हाट्सएप। सॉल्यूशन आपको मैं सेंड कर दूंगा। मशीन्स का हो कोई भी डाउट, पावर सिस्टम का हो, नेटवर्क का हो, मेजरमेंट का हो, कोई भी न्यूमेरिकल, तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। क्लियर है, तो व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। देखिए ये आ रहा है y12 not y13 not 2j, y21 not y23 not 2j, y31 not 32 not 2j, इक्वल आ गए। हमें क्या चाहिए, टोटल शंट एडमिटेंस बताना है बस 1 और 2 के बिटवीन, वो कितना है 2 टाइम्स ऑफ y20 है। पाई मॉडल बनाया तो 1 और 2 के बिटवीन टोटल शंट एलिमेंट कितने आ रहे थे, दो, एक y12 not एक y21 not, और दोनों इक्वल होते हैं तो टोटल शंट एडमिटेंस कितना आ रहा है 2 टाइम्स y12 not, तो हमें y12 not चाहिए, y12 not आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। अब ये तीन इक्वेशन अवेलेबल हैं, ये इक्वेशन अवेलेबल हैं y12 not plus y13 not is equal to 2j,
y210+230≠2j, 310+320≠2j, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है y120 का वैल्यू चाहिए क्या है। ऐसे ही अगर सेकंड बस और थर्ड बस के बिटवीन पूछा जाता टोटल शंट एलिमेंट बताओ तो वो भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट बस और थर्ड बस के बिटवीन पूछा जाता टोटल एलिमेंट वो भी निकाल सकते हैं। इसको बोलो इक्वेशन वन, इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री, एड इक्वेशन वन टू थ्री, एड इक्वेशन वन टू एंड थ्री, एड कर दो तीनों को, क्या आएगा y120+y130, ऐसे आएगा y120+y130+y230+y310+y320=2j क्या होगा 2j+2j+2j 6j। अब ये मैं मालूम है y120 होता है y210 के, yij0 yji0 के इक्वल है, ऐसे ही y130 किसके इक्वल होगा y310, एंड y230 क्या होगा y320, ये इक्वल होते हैं, तो y130 y310 ये इक्वल होंगे, y230 y320 ये इक्वल होंगे, और ये दोनों भी इक्वल हैं, 120+210 क्या लिख सकते हैं 2 times of y120, 130+y310 इसको लिख सकते हैं 2 times of y130+230+320 लिख सकते हैं 2 times of y230=6j, 2 कॉमन निकाल दीजिए यहां से, तो ये आ गया y120+y130+y230, ये आ गया 6j, तो यहां से ये वैल्यू आ गई y120+y130+y230=, कितना हो गया 3j=, ये आ गया 3j, ये इक्वेशन आ गई। हमें 120 चाहिए, इसको बोल दो सपोज इक्वेशन 4 है, सपोज ये इक्वेशन 4 है, हमें 120 चाहिए, तो इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर दो, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा y120। नाउ इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 को माइनस कर दो, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 ये कर दीजिए, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 किया, 4 में से 3 को माइनस करो, क्या आएगा फोर्थ इक्वेशन है y120+y130+y230, माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या है y310y320=, ये कितना था इक्वल टू में 3j, और ये कितना है 2j, तो 3j-2j=, में आएगा 3j-2j। अब y130y310 इक्वल है तो ये कैंसिल, y230 320 इक्वल है ये भी कैंसिल, क्या बचा y120=3j-2j दैट इज j, ये आ गया j, ये क्या आ गया j आ गया। नाउ टोटल शंट एडमिटेंस बिटवीन बस 1 एंड 2 कितना है 2 times y120 j, तो ये आ गया 2j, आंसर हो जाएगा 2j टोटल शंट एडमिटेंस और टोटल शंट ससेप्टेंस बिटवीन बस 1 एंड 2 = क्या है 2 times of y120, सो 2 times of j, ये आ जाएगा 2j, आंसर होगा 2j। क्लियर है, आंसर आ जाएगा ये 2j, इस टाइप का क्वेश्चन आता है लोड फ्लो से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये क्लियर है ना, तो सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लिया।
नोट कर लिया क्वेश्चन? यस सर। नेक्स्ट द टू बस पावर सिस्टम, द टू पावर सिस्टम, टू बस नहीं, द टू पावर सिस्टम, दो सिस्टम है, टू पावर सिस्टम इनिशियली नॉन इंटरकनेक्टेड, initially non interconnected are operating in a steady state, operating in steady state, operating in steady state at the same frequency separate load flow solution are obtained, load flow solution separate load flow solution are obtained for these two for these two are now interconnected, these two are now interconnecting by a short transmission line as shown in figure, by a short transmission line as shown in the figure. By a short transmission line as shown it is found that P1 equal to P2 equal to Q1 equal to Q2 equal to 0, ये सब जीरो हो गए पावर. The bus voltage phase angular difference, the bus voltage phase angular difference, phase angular difference, bus voltage phase angular difference between generator bus X and Y, between generator bus X and Y after interconnection is, after interconnection is. तो फेज एंगुलर डिफरेंस पूछा है X bus और Y bus, ये गिवन है सब कुछ हमें डायग्राम, ये देखिए क्वेश्चन गिवन है, ये दो सिस्टम दे रखे हैं क्वेश्चन में, ये दो सिस्टम गिवन है, सिस्टम ए सिस्टम बी,
ये सिस्टम ए है, ये है जनरेटर बस एक्स, एक्स बस है, ये सिस्टम ए है, ये एक पावर सिस्टम है, सिस्टम ए है ये। ऐसे एक और सिस्टम है सिस्टम बी, ये है सिस्टम बी, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ये सब। ये सिस्टम बी है, इन पर वोल्टेजेस गिवन है, ये है वाई बस, ये सिस्टम ए, ये बस इसका ग्राउंडेड है, ये है सिस्टम बी, ये बस ग्राउंडेड है। ये दो सिस्टम है, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी, इन बसेस पर ये वोल्टेजेस गिवन है, इस बस पे 1.02 at an angle 0 degree, यहां पर वोल्टेज गिवन है 1 at an angle -20 degree, 1.02, ये है 1.02 at an angle 10 degree, और ये तो ग्राउंड से कनेक्ट है। फिर ये है 1.02 at an angle 0 degree, ये गिवन है 1 at an angle -5 degree, 1.02 at an angle 15 degree, ये दिया हुआ है, ये ग्राउंड से कनेक्ट, ये ए सिस्टम है एक, ये बी सिस्टम है, अभी दोनों नॉन इंटरकनेक्टेड है, अभी इंटरकनेक्टेड नहीं है ये दोनों सिस्टम, इन बसेस पर कोई लाइन नहीं है ना, नॉन इंटरकनेक्टेड है ये सिस्टम। फिर इनको इंटरकनेक्ट किया गया, क्वेश्चन में बोला है देखो टू पावर सिस्टम इनिशियली नॉन इंटरकनेक्टेड, ये है इनिशियली टू पावर सिस्टम नॉन इंटरकनेक्टेड, आर ऑपरेटिंग इन स्टडी स्टेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी, सेपरेट लोड फ्लो सॉल्यूशन आर ऑप्टेन, दोनों के अलग अलग लोड फ्लो सॉल्यूशन ऑप्टेन किए गए हैं, ये लोड फ्लो सॉल्यूशन, फॉर दीज टू आर नाउ इंटरकनेक्टेड, दीज टू आर नाउ इंटरकनेक्टेड बाय ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, अब दोनों को एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन से इंटरकनेक्ट कर दिया, क्वेश्चन तो नोट कर लिया ना, इंटरकनेक्शन करने के बाद भी सर्किट दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है और ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब जो बनाएंगे वो तो पूरा क्वेश्चन में गिवन है ये सब। अब इन दोनों सिस्टम को इंटरकनेक्ट कर दिया, किसके थ्रू, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, ये गिवन है क्वेश्चन में। ये एक्स जनरेटर बस है, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन से इंटरकनेक्ट कर दिया, ये लाइन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये सिस्टम बी है, ये है बस बार, ये दोनों शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन से, लाइन के थ्रू ये इंटरकनेक्ट कर दिया इनको। तो क्या बोला गया, इट इज फाउंड दैट P1 इज इक्वल टू P2, पावर फ्लो लाइन में जीरो है, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू जीरो, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू जीरो, ये सब इक्वल है, पावर फ्लो लाइन में ये गिवन है जीरो है, P1 Q1 जीरो, P2 Q2 जीरो है, ये ग्राउंड, ये गिवन है। तो क्वेश्चन में बोला है एक्स जनरेटर बस और वाई जनरेटर बस के बीच में फेज एंगुलर डिफरेंस कितना होगा, ये जो वाई जनरेटर बस है इस बस पे वोल्टेज जो आ रहा है उसका एंगल, और इस बस पे जो वोल्टेज आ रहा है उसका एंगल,
इन दोनों के एंगल का फेज डिफरेंस कितना है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। फेज एंगुलर डिफरेंस बिटवीन एक्स बस एंड वाई बस, एक्स और वाई बस के बिटवीन फेज एंगुलर डिफरेंस कितना है, ये पूछा है क्वेश्चन में, गिवन है ये क्वेश्चन में सारी कंडीशन। तो केवल हमें इसमें अब बताना है फेज एंगुलर डिफरेंस क्या होगा एक्स बस और वाई बस के बिटवीन। तो देखो जरा क्या होगा, जब ये इंटरकनेक्टेड नहीं है, जब ये नॉन इंटरकनेक्टेड है दोनों सिस्टम, जब कोई ट्रांसमिशन लाइन नहीं है बिटवीन, तब ये है कंडीशन। ये हमें गिवन है वन एट एन एंगल कितना था, फाइव माइनस फाइव डिग्री ये था, तब तो ये वोल्टेज गिवन है इन बसेस पे। अब जब इंटरकनेक्ट कर दिया तो पावर क्या है, जीरो है लाइन में, पावर फ्लो पी वन क्यू वन जीरो, पी टू क्यू टू जीरो है लाइन में। अगर पावर पी, हमें मालूम है पावर पी जो होता है वो क्या होता है, वी एस वी आर अपॉन एक्स इंटू साइन डेल्टा होता है, ये होता है पावर पी। रिएक्टिव लाइन के लिए क्या आता है, रिएक्टिव लाइन के लिए हमने ड्राइव किया था पावर फ्लो लाइन में, क्या होता है वी एस वी आर अपॉन एक्स साइन डेल्टा। तो अगर पावर पी जीरो है, पी वन भी जीरो पी टू भी जीरो, पावर पी की वैल्यू अगर जीरो है तो पावर पी जीरो होने का मीनिंग क्या होता है, P इक्वल टू जीरो किया तो वी एस माइनस वी आर अपॉन एक्स इंटू साइन डेल्टा इक्वल टू जीरो। तो यहां से आई की वैल्यू साइन डेल्टा इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एंगल डेल्टा इक्वल टू जीरो, एंगल डेल्टा क्या आ गया जीरो डिग्री। पावर P जीरो होने का मतलब एंगल डेल्टा जीरो डिग्री। फिर रिएक्टिव लाइन के लिए हमने पावर Q भी निकाला था, कितना आया था पावर फ्लो रिएक्टिव लाइन के लिए, क्यू वी एस वी आर अपॉन एक्स इंटू कॉस डेल्टा माइनस मॉड ऑफ वी आर स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ एक्स, यह आया था पावर फ्लो, यह आया था ये आई थी वैल्यू। अब एंगल डेल्टा जीरो है, एंगल डेल्टा का वैल्यू जो है वो जीरो है, डेल्टा एंगल की वैल्यू जीरो हो गई, मीन्स ये एंगल जीरो है, ये एंगल जीरो हो जाएगा तो रिएक्टिव पावर Q ये भी जीरो दिया गया है। जब ये एंगल जीरो cos जीरो वन, तो ये वी एस वी आर अपॉन एक्स माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो आ जाएगा। इसको लिखेंगे वी आर अपॉन एक्स कॉमन निकाल देंगे यहां से, ये बचेगा वी एस माइनस वी आर इज इक्वल टू जीरो, दैट इज वी एस इज इक्वल टू आ जाएगा वी आर, मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर आ जाएगा। मतलब वोल्टेज इक्वल है, सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज इक्वल है लाइन का। तो यहां से क्यू जीरो होने का मतलब वोल्टेज सेम, पी जीरो होने का मतलब एंगल डेल्टा जीरो, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। वोल्टेज के मैग्नीट्यूड सेम, देखो जैसे ये बस है वन एट एन एंगल माइनस ट्वेंटी, ये बस है वन एट एन एंगल माइनस फाइव डिग्री, तो इन बसेस के वोल्टेज के मैग्नीट्यूड सेम तो हैं इन बसेस के, लेकिन एंगल सेम नहीं, एंगल जीरो डिग्री नहीं है। एंगल जीरो डिग्री हो जाएगा जब ये लाइन से कनेक्ट हो गए, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू दोनों सिस्टम को कनेक्ट कर दिया, तो उस बस पे जो दोनों बसेस, एक ये वाला बस एक ये वाला बस, जैसे ये लाइन का है सेंडिंग एंड, ये लाइन का है रिसीविंग एंड, तो सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के वोल्टेज के मैग्नीट्यूड क्या लेनी है सेम, और एंगल क्या रखना है जीरो डिग्री, एंगल जीरो डिग्री है। क्या मतलब हुआ इसका, इन बसेस के वोल्टेज के मैग्नीट्यूड सेम रखना है और एंगल भी जीरो डिग्री लेना है। एंगल जीरो डिग्री हमें सिस्टम ए में इस बस पे दिया हुआ है, और एंगल जीरो डिग्री सिस्टम बी में इस बस पे एंगल जीरो डिग्री दिया हुआ है। मतलब इन बसेस को रेफरेंस माना हुआ है क्वेश्चन में, ए सिस्टम और बी सिस्टम में, लेकिन हमें इन एक्चुअल, अब जो रेफरेंस मानना है वो किस बस को मानना है, हमें इन बसेस को रेफरेंस मानना है। क्यों, क्योंकि इन बसेस को कनेक्ट किया गया है शॉर्ट लाइन के थ्रू, और इस लाइन में पावर फ्लो जीरो हो रहा है, मतलब एंगल डेल्टा की वैल्यू जीरो डिग्री आ रही है और मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज सेम आ रहा है। मतलब इस बस पे मुझे एंगल क्या लेना होगा जीरो डिग्री, इस बस पे भी एंगल जीरो डिग्री, तभी तो पावर फ्लो क्या बनेगा पी, तभी तो जीरो आएगा। इसका मतलब हमें रेफरेंस बदलना पड़ेगा, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको चेंज करो रेफरेंस। देखिए कैसे, जैसे ये वन एट एन एंगल माइनस वन माइनस ट्वेंटी और ये वन पॉइंट जीरो एट एन एंगल जीरो है, तो इसको कंसिडर करो वन एट एन एंगल जीरो डिग्री। इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों में कितने डिग्री का डिफरेंस है, 20 डिग्री का डिफरेंस है, 0 माइनस 20,
20 डिग्री का डिफरेंस है, अगर इसको जीरो माना है तो ये क्या होना चाहिए, डिफरेंस वही मेंटेन होना चाहिए ना, सेम डिफरेंस तो उतना ही मेंटेन होना चाहिए, तो इसको लिखा जाएगा प्लस 20 डिग्री, डिफरेंस 20 डिग्री आना चाहिए। नाउ इन दोनों के बीच में कितना था फेज डिफरेंस, इन दोनों बसेस का कितना था फेज डिफरेंस, 10 डिग्री का, 10 माइनस 0 10 डिग्री, तो अभी भी इन दोनों का डिफरेंस कितना मेंटेन होना चाहिए, देखिए ये डिफरेंस मेंटेन होना चाहिए 20, ये डिफरेंस 20 आना चाहिए, इस बस पे एंगल कितना आएगा चेंज होकर, क्या लिया जाएगा, ये एंगल चेंज होगा 1.02 प्लस 10 डिग्री का आना चाहिए डिफरेंस, प्लस 10 डिग्री तो तब आएगा ना जब ये प्लस 30 डिग्री हो जाए, ये डिफरेंस आ जाएगा 10 डिग्री। तो अगर इसको रेफरेंस मान रहे हैं, इस बस को रेफरेंस माना जा रहा है, तो यहां एंगल चेंज हो जाएंगे, ये एंगल ऐसे कंसीडर रेफरेंस इसको मान लिया, तो एंगल का डिफरेंस वही मेंटेन होना चाहिए, तो देखिए वही मेंटेन है, ऐसे ही यहां पर भी इस बस को क्या लेना होगा, रेफरेंस 1 at an angle 0, इन दोनों में डिफरेंस कितने डिग्री का था, 5 डिग्री का, तो ये हो जाएगा 1.02 at an angle 5 degree, इन दोनों में डिफरेंस कितने का था, ये 0 ये 15, 15 डिग्री का डिफरेंस था, अभी भी 15 डिग्री होना चाहिए डिफरेंस, तो 15 डिग्री डिफरेंस लाने के लिए ये क्या हो जाएगा 1.02 at an angle 20 degree, 20 minus 5 15 degree आ जाएगा डिफरेंस, तो ये रेफरेंस बदल दिए, इसको हमने ले लिया 1 at an angle 0, इसको ले लिया 1 at an angle 0, तो देखो इन बसेस के मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज सेम है, एंगल 0 डिग्री है, तो पावर फ्लो लाइन में क्या हो रहा है 0, तो ये क्वेश्चन में जो बोला गया था एंगल डेल्टा 0, ये पावर फ्लो 0 है, क्यू 0 है, पी 0 क्यू 0 से क्या मीनिंग इनडायरेक्टली क्या समझ में आया, क्वेश्चन में उसने क्या बोलना चाहा, उसने ये बोलना चाहा ये पावर फ्लो 0 देने से उसने ये इंडिकेट किया है कि इस बस को हमें रेफरेंस लेना है, 1 at an angle 0 1 at an angle 0 लेना है, तभी तो पावर 0 होगी लाइन में, तो इसको 1 at an angle 0, इसको 1 at an angle 0, तो इस बस पे क्या आ रहा है वोल्टेज, 1.02 at an angle 20 degree, x वाले बस पे कितना आ रहा है 1.02 at an angle 30 degree प्लस का, इस वाले बस पे क्या हो गया चेंज होकर 1.02 at an angle 5 degree, और इस y बस पे कितना हो गया 1.02 at an angle 20 degree प्लस का, फेज एंगुलर डिफरेंस बिटवीन x बस एंड y बस ये पूछा गया था, x बस और y बस के बिटवीन क्या बन रहा है फेज एंगुलर डिफरेंस 30 डिग्री माइनस 20 डिग्री दैट इज 10 डिग्री, तो क्या लिखेंगे फेज एंगुलर डिफरेंस बिटवीन फेज एंगुलर डिफरेंस बिटवीन x एंड y बस कितना आ गया 30 डिग्री माइनस 20 डिग्री दैट इज ये आ गया 10 डिग्री, ये आ जाएगा 10 डिग्री फेज एंगुलर डिफरेंस x और y बस के बिटवीन, ये होगा फेज एंगुलर डिफरेंस x बस और y बस के बिटवीन, बताइए क्लियर है, क्लियर है ये क्वेश्चन, ये भी पूछा गया गेट में क्वेश्चन, ये क्लियर है ये, यस सर। नो अब देखो जरा कंपैरिजन बिटवीन गॉस सीडल एंड न्यूटन रॉप्सन, हाउ टू डिसाइड कौन सा मेथड फास्ट कौन सा मेथड स्लो, इसके बाद स्टार्ट करते हैं फिर फॉल्ट एनालिसिस, नोट कर लिया हटा दो ये, नो सर अभी नहीं कीजिए, नोट कीजिए इसको, फॉल्ट एनालिसिस में भी मेनली हम न्यूमेरिकल वाले पार्ट पर ही फोकस करेंगे, जितना कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा थ्योरेटिकली वो देख लेंगे जल्दी से, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे,
कंपैरिजन बिटवीन गॉस सीडल एंड न्यूटन राफ्सन. गॉस सीडल न्यूटन राफ्सन में कंपैरिजन देखिए. गॉस सीडल मेथड, इसके एडवांटेज देखा पहले. ये न्यूटन राफ्सन मेथड. गॉस सीडल मेथड के एडवांटेज क्या होते हैं? तो न्यूटन राफ्सन के कंपेयर में गॉस सीडल मेथड जो होता है, ये बोला जाता है इट इज ए सिंपल मेथड. व्हाई? ये सिंपल मेथड क्यों है? ये सिंपल मेथड इसलिए है क्योंकि इस मेथड में केवल हम वोल्टेज वी आई एंड एंगल डेल्टा आई कैलकुलेट करते हैं एट आईएथ बस. इस मेथड में वी आई एंड डेल्टा आई की कैलकुलेशन होती है, जबकि न्यूटन राफ्सन में क्या करते हैं? जैकोबियन मैट्रिक्स बनाते हैं पावर सिस्टम में यूजिंग न्यूटन राफ्सन मेथड. इस जैकोबियन मैट्रिक्स में आते हैं कई सारे वेरिएबल्स, पार्शियल डेरिवेटिव, कई सारे एलिमेंट. जैसे 10 बस का सिस्टम है तो 100 नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे टोटल, तो 100 एलिमेंट की कैलकुलेशन हर इटरेशन में होगी. यहाँ हर इटरेशन में हमें ये जैकोबियन मैट्रिक्स कैलकुलेट करना पड़ता है. एन नंबर ऑफ इक्वेशन से बनता है, तो n इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन निकालते हैं हर इटरेशन में. जैसे n इक्वेशन का मतलब ये जैकोबियन मैट्रिक्स जो बन रहा है 10 क्रॉस 10, 100 एलिमेंट, तो 100 एलिमेंट की कैलकुलेशन करनी है हर इटरेशन में. तो ये तो मेथड कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है. ये मेथड है सिंपल मेथड एज कंपेयर टू न्यूटन राफ्सन. न्यूटन राफ्सन के कंपैरिजन में बात हो रही है. तो इसका एडवांटेज तो ये होता है, पहला गॉस सीडल का, फर्स्ट इट इज ए सिंपल मेथड. राइट डाउन, It is a simple method. ये simple method है. दूसरा advantage क्या होता है Gauss Seidel का? तो दूसरा advantage बोला जाता है Gauss Seidel में, less memory storage is required. पहले लिख लीजिए advantage Gauss Seidel का, second point. Less memory storage is required. अभी define करेंगे इसको क्या है, क्या मतलब है इसका. Less memory storage is required in Gauss Seidel. क्या एडवांटेज है? लेस मेमोरी स्टोरेज इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट एडवांटेज गॉस सीडल में, नेक्स्ट पॉइंट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच इटरेशन इज लेस. ईच इटरेशन के लिए टाइम रिक्वायर्ड जो होगा वो कम होगा गॉस सीडल में. व्हाई? क्योंकि गॉस सीडल में क्या बताया, केवल वी आई एंड डेल्टा आई की कैलकुलेशन होनी है. जैसे सेकंड बस पे वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेकंड बस के वोल्टेज एंड एंगल की कैलकुलेशन होगी, फिर अगले इटरेशन पर चले जाएंगे. तो हर इटरेशन का टाइम क्या लगेगा? यहाँ कम लगेगा. किसके कंपेयर में? न्यूटन राफ्सन. न्यूटन राफ्सन में कई सारे एलिमेंट, जैसे 10 बस का सिस्टम है तो हर इटरेशन में 100 एलिमेंट की पहले कैलकुलेशन करना है, फिर अगले इटरेशन पर जाएंगे. तो ईच इटरेशन का टाइम रिक्वायर्ड यहाँ ज्यादा होता है, यहाँ कम होता है, क्योंकि कम एलिमेंट की कैलकुलेशन है तो टाइम कम लगेगा हर इटरेशन का गॉस सीडल में. क्या लिखा?
गॉस सीडल में एडवांटेज में टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच इटरेशन इज लेस। अब देखिए ये जो एडवांटेज लिखे हैं गॉस सीडल के, ये सारे न्यूटन रैप्सन में होते हैं डिसएडवांटेज, ये सब न्यूटन रैप्सन में क्या हो जाएंगे डिसएडवांटेज। मींस देखिए डिसएडवांटेज ऑफ न्यूटन रैप्सन कैसे लिखेंगे, डिसएडवांटेज ऑफ न्यूटन रैप्सन क्या होंगे, जो इसके एडवांटेज है वो न्यूटन रैप्सन में बन जाते हैं डिसएडवांटेज। कैसे, इसको बोला इट इज ए सिंपल मेथड, तो न्यूटन रैप्सन में क्या बोलेंगे इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड मेथड। ये मेथड क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, ये मेथड है कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि कई सारे एलिमेंट आ रहे हैं, लार्ज पावर सिस्टम है, 100 बस का सिस्टम है, तो 10,000 एलिमेंट की कैलकुलेशन होगी। तो लिखना इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड मेथड, इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड मेथड। इसमें लिखा था फिर सेकंड पॉइंट एडवांटेज में लेस मेमोरी स्टोरेज रिक्वायर्ड, तो यहां क्या बन जाएगा डिसएडवांटेज, मोर मेमोरी स्टोरेज रिक्वायर्ड, मोर मेमोरी स्टोरेज रिक्वायर्ड। पहले लिख लीजिए फिर इस पॉइंट को देखेंगे क्या मीनिंग है इसका, मोर मेमोरी स्टोरेज रिक्वायर्ड सेकंड पॉइंट डिसएडवांटेज ऑफ न्यूटन रैप्सन। फिर यहां बोला था टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच इटरेशन लेस, यहां टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच इटरेशन क्या है मोर, क्योंकि कई सारे एलिमेंट की कैलकुलेशन करनी है हर इटरेशन में जैकोबिन मैट्रिक्स। तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट डिसएडवांटेज में टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच इटरेशन इज मोर, किसमें न्यूटन रैप्सन में, न्यूटन रैप्सन में टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच इटरेशन इज मोर। तो ये हो गए इसके डिसएडवांटेज। नाउ एडवांटेज ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड, एडवांटेज ऑफ एनआर मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड के एडवांटेजेस क्या होंगे, तो एडवांटेजेस हैं इसके फ्यू नंबर ऑफ इटरेशन नीडेड, कन्वर्जेंस फास्ट होता है इस मेथड का, फ्यू नंबर ऑफ इटरेशन आर नीडेड, फ्यू नंबर ऑफ इटरेशन आर नीडेड। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना न्यूटन रैप्सन के एडवांटेज में, फ्यू नंबर ऑफ इटरेशन आर नीडेड, फ्यू नंबर ऑफ इटरेशन आर नीडेड। सेकेंड पॉइंट लिखिए एडवांटेज ऑफ न्यूटन रैप्सन में, नंबर ऑफ इटरेशन, नंबर ऑफ इटरेशन remains almost same, number of iteration remains almost same, number of iteration remains almost same with number of buses increases, with number of bus increases, क्या लिखा, number of iteration remains almost same with number of bus increases, with number of bus increases, number of bus increases। फिर next point लिखिए इसके advantage में न्यूटन रैप्सन में, solution is not sensitive, solution is not sensitive, solution is not sensitive to the choice of select bus, solution is not sensitive to the choice of select bus। ये सब अभी देखते हैं क्या होता है, solution is not sensitive to the choice of select bus। अब देखिए इसके जो एडवांटेज है न्यूटन रैप्सन के वो गॉस सीडल में बनेंगे डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ गॉस सीडल। तो यहां क्या बोला, फ्यू नंबर ऑफ इटरेशन नीडेड एडवांटेज ऑफ न्यूटन रैप्सन, यहां होगा मोर नंबर ऑफ इटरेशन नीडेड, मोर नंबर ऑफ इटरेशन नीडेड, यहां पर इटरेशन ज्यादा लगेंगे। तो लिखना मोर नंबर ऑफ इटरेशन नीडेड डिसएडवांटेज ऑफ गॉस सीडल, मोर नंबर ऑफ इटरेशन, मोर नंबर ऑफ इटरेशंस आर नीडेड, सेकंड पॉइंट डिसएडवांटेज ऑफ गॉस सीडल। क्या बोला था उसमें, नंबर ऑफ बसेस बढ़ाने पर नंबर ऑफ इटरेशन ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, लेकिन यहां क्या होगा, नंबर ऑफ इटरेशन इंक्रीज हो जाएंगे विथ नंबर ऑफ बसेस इंक्रीज। लिखना सेकंड पॉइंट डिसएडवांटेज में, नंबर ऑफ इटरेशन इंक्रीजेस विथ नंबर ऑफ बसेस, जैसे नंबर ऑफ बसेस अगर बढ़ा दें, यहां पे पावर सिस्टम लार्ज बस का ले लिया जाए और गॉस सीडल लगाएं उस पे, तो लार्ज बस के पावर सिस्टम में नंबर ऑफ इटरेशन भी ज्यादा लगेंगे, नंबर ऑफ इटरेशन ज्यादा आएंगे, बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इटरेशन इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ बसेस बढ़ेंगे, यहां नंबर ऑफ बसेस बढ़ने से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, फिर तब प्रॉब्लम है, ये इसका डिसएडवांटेज है।
नंबर ऑफ इटरेशन इंक्रीजेस विद नंबर ऑफ बसेस. नेक्स्ट पॉइंट डिसएडवांटेज में क्या था, एडवांटेज क्या था न्यूटन ऑप्शन में, सॉल्यूशन इज नॉट सेंसिटिव टू द चॉइस ऑफ स्लैक बस. यहां पर बोलेंगे सॉल्यूशन इज सेंसिटिव टू द चॉइस ऑफ स्लैक बस. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो डिसएडवांटेज ऑफ कॉस थीटा का, सॉल्यूशन इज सेंसिटिव टू द चॉइस ऑफ स्लैक बस. सॉल्यूशन इज सेंसिटिव टू द चॉइस ऑफ स्लैक बस. अब देखिए क्या मीनिंग है इनका, सॉल्यूशन इज सेंसिटिव टू द चॉइस ऑफ स्लैक बस. डिसएडवांटेज क्या है गॉस सीडल में, नेक्स्ट सॉल्यूशन इज सेंसिटिव टू द चॉइस ऑफ स्लैक बस. नाउ क्या बोला था, एडवांटेज ऑफ गॉस सीडल, लेस मेमोरी स्टोरेज रिक्वायर्ड. यहां क्या बोला, मोर मेमोरी स्टोरेज रिक्वायर्ड. अब देखिए ये जो न्यूमेरिकल मेथड है गॉस सीडल एंड न्यूटन रॉप्सन, ये हम पावर सिस्टम में अप्लाई कर रहे हैं, ये हम पावर सिस्टम में अप्लाई कर रहे हैं. क्यों, लोड फ्लो सॉल्यूशन निकाला जा रहा है इन मेथड का यूज करके. तो ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ये गॉस सीडल न्यूटन रॉप्सन ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है. ये प्रोग्राम रन किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है ये न्यूटन रॉप्सन और गॉस सीडल से जो हम लोड फ्लो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ये एल्गोरिथम है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है. ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूट कराना है तो क्या करते हैं, उसके लिए मेमोरी चाहिए, स्टोर करने के लिए, उसको सेव करने के लिए मेमोरी चाहिए होती है. तो ये जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ये जो गॉस सीडल मेथड है, लोड फ्लो मेथड है ये, इसको हमें सॉल्यूशन इसका कैलकुलेट करना है, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, तो पहले मेमोरी में स्टोर करना होगा, सेव करना होगा इस प्रोग्राम को. मेमोरी में स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए कैसी मेमोरी रिक्वायर्ड होगी गॉस सीडल प्रोग्राम के लिए, गॉस सीडल मेथड के लिए, लेस मेमोरी स्टोरेज चाहिए. क्यों, क्योंकि यहां जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो किसकी करेंगे, केवल वीआई एंड डेल्टा आई, आईएथ बस का वोल्टेज और उसका एंगल, केवल इसकी कैलकुलेशन करनी है. तो यहां जो मेमोरी रिक्वायर्ड होगा, स्पेस जो चाहिए, मेमोरी जो चाहिए इसको स्टोर करने के लिए, इस प्रोग्राम को, इस कैलकुलेशन को, तो यहां मेमोरी कम चाहिए, मेमोरी कम लगेगी. लेकिन न्यूटन रॉप्सन में क्या होगा, न्यूटन रॉप्सन से जो लोड फ्लो सॉल्यूशन निकाला जा रहा है, इसमें हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, जैकोबियन मैट्रिक्स, जैकोबियन मैट्रिक्स, जैकोबियन मैट्रिक्स का साइज, एन नंबर ऑफ इक्वेशंस आते हैं, 100 बस का सिस्टम, 10,000 एलिमेंट की कैलकुलेशन. तो इस प्रोग्राम में 10,000 एलिमेंट आ जाएंगे अगर ये 100 बस का सिस्टम है. अब 10,000 एलिमेंट को सेव करने के लिए मेमोरी जो चाहिए, मेमोरी का साइज कैसा असाइन करना होगा, मोर मेमोरी स्टोरेज इज रिक्वायर्ड. तो न्यूटन रॉप्सन में मेमोरी ज्यादा चाहिए होगी इस प्रोग्राम को सेव करने के लिए. तो यहां पर मेमोरी स्टोरेज कैसा चाहिए, मोर मेमोरी स्टोरेज, यहां पर लेस मेमोरी स्टोरेज. क्लियर है, क्या मीनिंग है इसका, क्यों बोला जा रहा है लेस मेमोरी स्टोरेज, मोर मेमोरी स्टोरेज. अब सॉल्यूशन इज सेंसिटिव टू द चॉइस ऑफ सिलेक्ट बस का मीनिंग क्या होता है, देखिए जैसे ये पावर सिस्टम है, थ्री बसेस हैं, इस थ्री बस के पावर सिस्टम में हम किसी भी बस को कंसीडर कर सकते हैं स्लैक बस. इन तीन बस में से कम कोई एक बस क्या होगा, स्लैक बस, रेफरेंस बस. जैसे सपोज ये है स्लैक बस 1.02 एट एन एंगल 0 डिग्री है, इसको रेफरेंस लिया हुआ है, ये स्लैक बस है. बाकी के बसेस इस टाइप से हैं, से 0.98 एट एन एंगल -8 डिग्री, यहां पर भी कुछ वोल्टेज है, सपोज यहां पर है 1 एट एन एंगल -3 डिग्री, 1 एट एन एंगल -3 डिग्री ये है. इन दोनों में कितना है फेज डिफरेंस एंगल का, 8 डिग्री. इन दोनों में कितने डिग्री का आ रहा है, 5 डिग्री आ रहा है. अब देखिए सॉल्यूशन इज नॉट सेंसिटिव टू द चॉइस ऑफ सिलेक्ट बस, कहां पर, न्यूटन ऑप्शन में, गॉस सीडल में सॉल्यूशन इज सेंसिटिव टू द चॉइस ऑफ सिलेक्ट बस. अब जो रेफरेंस है वो हम किसी भी बस को कंसिडर कर सकते हैं, जैसे यहां इस बस को लिया हुआ है सिलेक्ट बस रेफरेंस. रेफरेंस अगर मैं इसको ले लूं, इस बस को अगर मैं रेफरेंस कंसीडर कर लूं, तो क्या होना चाहिए, एंगल का डिफरेंस वही मेंटेन होना चाहिए. किसी को भी रेफरेंस कंसीडर कर लो, सेम आना चाहिए. इसको कर लो, इसको कर लो, किसी को भी कर लीजिए रेफरेंस. जैसे अगर ये बोले कि इसके बजाय मैं इसको रेफरेंस मान लूं, अगर 1 एट एन एंगल 0 डिग्री इसे ले लिया, इसको मैंने रेफरेंस माना, सिलेक्ट बस ये सिलेक्ट कर ली पावर सिस्टम में, इसको ले लिया मैंने सिलेक्ट बस, पहले ये था इसको ले लिया. तो न्यूटन ऑप्शन में तो क्या बोला है, सॉल्यूशन इज
नॉट सेंसिटिव टू द चॉइस ऑफ सिलेबस। इसका मतलब देखिए क्या है, ये आया 1 at an angle 0, इन दोनों में एंगल का डिफरेंस कितना था 3 degree का, तो यहां पर एंगल क्या आना चाहिए, इन दोनों में डिफरेंस कितना मेंटेन होना चाहिए 3 degree, तो ये आ जाएगा 3 degree। इन दोनों में डिफरेंस कितने डिग्री का आ रहा था 8 degree का, इन दोनों में डिफरेंस कितने का था 5 degree का, तो ये कितना होना चाहिए 0.98 at an angle, इन दोनों में डिफरेंस कितने डिग्री का था 5, तो ये 5 degree माइनस का, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो देखिए इसकी मैग्नीट्यूड वोल्टेज की 1.02 पहले भी थी, अभी भी 1.02, 0.98 था 0.98 है, 1 था 1 है मैग्नीट्यूड, एंगल का डिफरेंस जितना जो मेंटेन था वही है, किस केस में, ये न्यूटन रैप्सन की जब बात हो रही है, तो न्यूटन रैप्सन में सॉल्यूशन इज नॉट सेंसिटिव टू द चॉइस ऑफ सिलेक्ट बस, आप इसको लो सिलेक्ट बस, इसको सिलेक्ट करो सिलेक्ट बस, सॉल्यूशन सेंसिटिव नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज और एंगल का डिफरेंस वो अभी भी वही है, सेम है, सेम है, ये है न्यूटन रैप्सन के लिए। लेकिन अगर गॉस सीडल में ऐसा करें, हम गॉस सीडल में अगर ऐसा करें कि इसके बजाय इसको अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं सिलेक्ट बस 1 at an angle 0, इसे सिलेक्ट बस लिया है, बात अब गॉस सीडल की हो रही है, गॉस सीडल मेथड, गॉस सीडल में अगर ऐसा कर रहे हैं कि इसे ले रहे हैं सिलेक्ट बस, तो देखिए सॉल्यूशन सेंसिटिव होगा, बोला गया है सॉल्यूशन इज सेंसिटिव टू द चॉइस ऑफ सिलेक्ट बस, यहां पर सॉल्यूशन सेंसिटिव हो जाएगा टू द चॉइस ऑफ सिलेक्ट बस गॉस सीडल के लिए। कैसे कैसे होगा, जैसे इसको लिया हुआ है सिलेक्ट बस, या इसको सिलेक्ट बस सिलेक्ट किया है, तो यहां पर वैल्यू ऐसे आएगी 1.02 एट एन एंगल 2.9 degree, ये हो गया सपोज 0.97 एट एन एंगल माइनस 4.8 degree, 4.85 degree, इस तरीके से ये भी हो सकता है 1.01 एट एन एंगल 0 degree, इस तरीके से, तो ये वैल्यू में थोड़े बहुत वेरिएशन आएंगे, एंगल का डिफरेंस भी एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। ये होता है सॉल्यूशन इज सेंसिटिव टू द चॉइस ऑफ सिलेक्ट बस, कहां पर, गॉस सीडल में अगर ऐसा करते हैं तो ये थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है इनमें। ये होता क्यों है, इसका रीजन क्या है, तो ये डिपेंड, ये आती है कंडीशन, ये कहां से आ रही है, ये कंडीशन आती है सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल मेथड, ये न्यूमेरिकल मेथड के सेंसिटिविटी एनालिसिस जब करते हैं वहां से पता चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे हम देखते हैं ना सेंसिटिविटी कंट्रोल सिस्टम में, देखते हैं क्लोज लूप सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम के लिए, ऐसे ही यहां पर चाहे जैसे वहां बोलते हैं क्लोज लूप सिस्टम एंड ओपन लूप सिस्टम के अंदर सेंसिटिविटी देखी जाती है, ठीक उसी तरीके से यहां भी सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स के लिए, न्यूमेरिकल मेथड का जब सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं तो वहां से आती है रिजल्ट, गॉस सीडल मेथड में सॉल्यूशन इज सेंसिटिव टू द चॉइस ऑफ सिलेक्ट बस, न्यूटन रैप्सन में सॉल्यूशन इज नॉट सेंसिटिव टू द चॉइस ऑफ सिलेक्ट बस। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस हमें देखने की यहां जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स में करते हैं वो भी सेंसिटिविटी एनालिसिस न्यूमेरिकल मेथड में, वो भी गेट के सिलेबस में नहीं है, मैथ्स में भी, वो भी आपको जब आप एमएससी वगैरह करोगे मैथमेटिक्स के साथ उसमें देखते हैं वो सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल मेथड। अब देखो कैसे डिसाइड करें कि कौन सा मेथड फास्ट है इसमें और कौन सा मेथड स्लो है, तो इसके लिए देखना होता है हमें टोटल कंप्यूटेशन टाइम। टोटल कंप्यूटेशन टाइम का मतलब होता है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हमने बनाया है उसको रन किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो डिजाइन किया उसको रन किया जा रहा है, तो उसका टोटल कंप्यूटेशन टाइम क्या है। देखो टोटल कंप्यूटेशन टाइम का मतलब क्या है, कौन सा मेथड फास्ट कौन सा मेथड स्लो, ये ऐसे नहीं बता सकते डायरेक्टली कि सीधा बोल दिया कि ये मेथड फास्ट और ये मेथड स्लो, उसके लिए देखना होगा टोटल कंप्यूटेशन टाइम। टोटल कंप्यूटेशन टाइम क्या होता है, टोटल कंप्यूटेशन टाइम का मतलब नंबर ऑफ इटरेशन, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ इटरेशन मल्टीप्लाइड टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच इटरेशन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच इटरेशन। ये जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हम कर रहे हैं गॉस सीडल एंड न्यूटन रैप्सन, इसका टोटल कंप्यूटेशन टाइम क्या होगा प्रोग्राम के लिए कि कितने नंबर ऑफ इटरेशन लगे किस मेथड में और हर इटरेशन का टाइम कितना है, तभी तो कंप्लीट हो रहा है एक मेथड। जैसे न्यूटन रैप्सन में कितने टोटल नंबर ऑफ इटरेशन आए हमने जो सॉल्यूशन निकाला उसमें,
और हर इटरेशन में टाइम कितना लगा, तो ये क्या है, टोटल कंप्यूटेशन टाइम है। ये होता है टोटल कंप्यूटेशन टाइम, नंबर ऑफ इटरेशन रिक्वायर्ड इनटू टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच इटरेशन। अब नंबर ऑफ इटरेशन देखो, बात करें गॉस सीडल एंड न्यूटन रैप्सन की, जैसे मैं बात कर रहा हूं न्यूटन रैप्सन के कंप्यूटेशन टाइम की, तो न्यूटन रैप्सन में नंबर ऑफ इटरेशन रिक्वायर्ड कैसे है, क्या बोला, फ्यू इटरेशन नीडेड, इसमें नंबर ऑफ इटरेशन रिक्वायर्ड कम होते हैं न्यूटन रैप्सन में। लेकिन क्या बोला था, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच इटरेशन इन न्यूटन रैप्सन क्या होता है, मोर, क्योंकि न्यूटन रैप्सन में हर इटरेशन में हमें कई सारे एलिमेंट की कैलकुलेशन करनी होती है, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच इटरेशन मोर होता है न्यूटन रैप्सन में। अब बात करें गॉस सीडल के कंप्यूटेशन टाइम की, गॉस सीडल का कंप्यूटेशन टाइम के लिए बात करें, तो गॉस सीडल में क्या बोला, नंबर ऑफ इटरेशन रिक्वायर्ड गॉस सीडल में कैसे है, गॉस सीडल में मोर इटरेशन रिक्वायर्ड है, ये डिसएडवांटेज था, मोर नंबर ऑफ इटरेशन नीडेड, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच इटरेशन इन गॉस सीडल इज लेस, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच इटरेशन इन गॉस सीडल इज लेस। अब देखिए इसमें ये कम ये ज्यादा, इसमें ये ज्यादा ये कम, कैसे डिसाइड करें कि किसका कंप्यूटेशन टाइम कम है किसका कंप्यूटेशन टाइम ज्यादा है, जिस मेथड का टोटल कंप्यूटेशन टाइम कम होगा वो मेथड फास्ट, जिस मेथड का टोटल कंप्यूटेशन टाइम ज्यादा होगा वो मेथड स्लो। क्लियर है, तो यहां से तो बात समझ में नहीं आ रही, इसके लिए ठीक है नंबर ऑफ इटरेशन कम लेकिन टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच इटरेशन मोर, इसके लिए नंबर ऑफ इटरेशन मोर टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच इटरेशन लेस, तो ये तो समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सा कंप्यूटेशन टाइम कम और ज्यादा है, तो ऐसे तो डिसाइड नहीं हो पा रहा अभी। देखिए अब इसको कैसे डिसाइड करते, क्या बोलते हैं कि कौन सा मेथड कब फास्ट कौन सा मेथड कब स्लो, कंसीडर कर लो नंबर ऑफ बसेस, आवर सिस्टम में नंबर ऑफ बसेस, यहां पर नंबर ऑफ इटरेशन, नंबर ऑफ इटरेशन इन गॉस सीडल मेथड इन जीएस मेथड, यहां पर नंबर ऑफ इटरेशन इन न्यूटन रैप्सन मेथड, नंबर ऑफ इटरेशन इन न्यूटन रैप्सन, सपोज 5 बस का पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम में नंबर ऑफ बसेस कितने हैं 5, इन न्यूटन रैप्सन मेथड, यहां से 5 बसेस का पावर सिस्टम है, नंबर ऑफ इटरेशन रिक्वायर्ड इन गॉस सीडल कितने हैं, सपोज नंबर ऑफ इटरेशन रिक्वायर्ड गॉस सीडल में 3, नंबर ऑफ इटरेशन रिक्वायर्ड इन न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन में नंबर ऑफ इटरेशन गॉस सीडल के कंपेयर में क्या होते हैं कम, गॉस सीडल में मोर इटरेशन न्यूटन रैप्सन में कम इटरेशन, तो न्यूटन रैप्सन में सपोज 2 ही इटरेशन रिक्वायर्ड है अभी, यहां इटरेशन कितने हैं 3, टोटल कंप्यूटेशन टाइम ये टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच इटरेशन गॉस सीडल में कम होता है न्यूटन रैप्सन में ज्यादा होता है, सपोज टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच इटरेशन इन गॉस सीडल है 1 सेकंड, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच इटरेशन इन न्यूटन रैप्सन है 2.5 सेकंड, ये अज्यूम कर लिया हमने टाइम, हर इटरेशन का टाइम कितना है गॉस सीडल का 1 सेकंड, कितने इटरेशन लग रहे हैं 5 बस के सिस्टम में गॉस सीडल में 3 इटरेशन, एक इटरेशन का टाइम गॉस सीडल का 1 सेकंड, तो 3 इटरेशन के लिए टाइम क्या हो जाएगा गॉस सीडल में 3 सेकंड होगा, 3 सेकंड टाइम, टोटल टाइम कितना आ रहा है 3 इटरेशन का गॉस सीडल में 3 सेकंड, यहां पे न्यूटन रैप्सन में 2 इटरेशन है, एक इटरेशन का टाइम सपोज 2.5 सेकंड है, तो 2 इटरेशन के लिए टाइम क्या होगा न्यूटन रैप्सन में 2.5 सेकंड, ये आ जाएगा। तो अभी 5 बस के सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटेशन टाइम कम किसका आ रहा है, गॉस सीडल और न्यूटन रैप्सन में, न्यूटन रैप्सन का कम है गॉस सीडल का ज्यादा है, सपोज नंबर ऑफ बसेस थोड़े बढ़ा दो, सपोज 7 बस का पावर सिस्टम है, 7 बस के पावर सिस्टम में नंबर ऑफ इटरेशन क्या बोला था, नंबर ऑफ बसेस इंक्रीज होने से नंबर ऑफ इटरेशन गॉस सीडल में बढ़ जाते हैं, ये पढ़ा था ना अभी, नंबर ऑफ बसेस इंक्रीज होने से नंबर ऑफ इटरेशन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इटरेशन यहां बढ़ जाएंगे, 5 से 7 कर दिया तो नंबर ऑफ इटरेशन यहां बढ़ गया, सपोज कितना हो गया 4 हो गया, नंबर ऑफ इटरेशन 4 आ गए, एक इटरेशन का टाइम 1 सेकंड, 4 इटरेशन का टाइम 4 सेकंड,
गॉस सीडल मेथड। न्यूटन ने ऑप्शन में क्या बोला था, इफ नंबर ऑफ बसेस इंक्रीज तो नंबर ऑफ इटरेशन ऑलमोस्ट रिमेन सेम, जब तक बहुत ज्यादा नंबर ऑफ बसेस ना बढ़ाए जाए तब तक नंबर ऑफ इटरेशन ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, तो कोई ज्यादा तो बस बढ़ाई नहीं है, 5 से केवल 7 किया है, तो नंबर ऑफ इटरेशन न्यूटन ऑप्शन में क्या रहेंगे, ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, अभी भी 2 ही रहेंगे इटरेशन न्यूटन ऑप्शन में। टाइम रिक्वायर्ड क्या हो गया, और ये 5 सेकंड है, 2.5 सेकंड है, ये 5 सेकंड है ना, एक इटरेशन का टाइम था 2.5 सेकंड, तो दो इटरेशन का क्या है 5 सेकंड है, 2 इटरेशन का टाइम है 5 सेकंड, ये है। अगेन नंबर ऑफ बसेस इंक्रीज और बढ़ा देते हैं, सपोज 8 बस कर दिए तो नंबर ऑफ इटरेशन गॉस सीडल में फिर बढ़ गए, ये हो गए सपोज 5, तो कितना टाइम आ जाएगा 5 सेकंड, ऑलमोस्ट रिमेन सेम, 5 से 8 इटरेशन है, ऑलमोस्ट 5 से 8 बस किया है, ऑलमोस्ट रिमेन सेम, ये 5 सेकंड है। अब नंबर ऑफ बसेस 5 से 10 कर दो, 5 से 10 कर दिए, अब थोड़ा लार्ज हुए हैं बस, 5 से 10 हो गए, नंबर ऑफ इटरेशन इंक्रीजेस इन गॉस सीडल कितने हो गए, सपोज ये 6 हो गए, 6 इटरेशन लग रहे हैं, टाइम क्या हो गया गॉस सीडल में 6 सेकंड। न्यूटन ऑप्शन में अब थोड़ा बहुत इटरेशन बढ़ेगा क्योंकि 5 से 10 हो गए बस, अब थोड़ा पावर सिस्टम बड़ा हो गया, 10 बस का पावर सिस्टम हो गया, तो नंबर ऑफ इटरेशन सपोज 2 से बढ़कर 3 आ गए अब न्यूटन ऑप्शन में। न्यूटन ऑप्शन में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ इटरेशन ऑलमोस्ट रिमेन सेम विथ नंबर ऑफ बसेस इंक्रीजेस, तो ऑलमोस्ट सेम है, जैसे 2 है तो 2 से 3 हो गए क्योंकि नंबर ऑफ बसेस अब 5 से 10 हो रहे हैं, 10 बस आ गए इसमें, तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा, तो 3 इटरेशन के लिए टाइम कितना आ जाएगा न्यूटन ऑप्शन में, 2.5 × 3 7.5 सेकेंड। 12 कर दिए सपोज नंबर ऑफ बसेस बढ़ा के, कितने के 12, तो ये आ जाएगा 8 इटरेशन गॉस सीडल, सपोज 8 इटरेशन आ गए, टाइम क्या हो गया 8 सेकेंड, ठीक है 10 से 12 किया है कोई ज्यादा चेंज नहीं है, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इटरेशन ऑलमोस्ट रिमेन सेम, न्यूटन ऑप्शन 3 है, टाइम क्या हो गया 7.5 सेकेंड। और बस बढ़ा दिए सपोज 14 कर दिए बस बढ़ा के, नंबर ऑफ इटरेशन गॉस सीडल 10 हो गए सपोज, टाइम कितना हो गया 10 सेकंड हो गया सपोज, ये अभी भी ऑलमोस्ट सेम ही है 3, 10 से 14 किया है, टाइम क्या हो गया 7.5 सेकंड। 16 कर दिए ये हो गए सपोज 12, ये आ गया टाइम 12 सेकंड, ये ऑलमोस्ट अभी भी 3 है, ये 7.5 सेकंड आ जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से देख सकते हैं। अब देखो यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, 5 बसेस 7 बसेस 10 बसेस ऑलमोस्ट और 10 बसेस भी, तो यहां तक तो पावर सिस्टम कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, ये लार्ज पावर सिस्टम नहीं है, हाँ ठीक है 10 बस हो गए 12 बस 14 16 ये लार्ज बस है, लार्ज पावर सिस्टम है, ये स्मॉल पावर सिस्टम है, ये है स्मॉल पावर सिस्टम, नंबर ऑफ बसेस सिस्टम में कम है मतलब वो स्मॉल पावर सिस्टम, नंबर ऑफ बसेस लार्ज है, ये लार्ज पावर सिस्टम है, ये है लार्ज पावर सिस्टम। तो जब बात हो रही है स्मॉल पावर सिस्टम की, स्मॉल पावर सिस्टम 5, 7, 8 बस का सिस्टम, गॉस सीडल में टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड 4 सेकंड, लेकिन न्यूटन ऑप्शन में टाइम कितना लग रहा है, ये 3 सेकंड 4 सेकंड या 5 सेकंड। तो अगर पावर सिस्टम स्मॉल है, 5 बस का है या 3 बस का है या 2 बस का है 7 बस का है, तो टाइम कहां ज्यादा लग रहा है न्यूटन ऑप्शन में, टाइम कम कहां लग रहा है गॉस सीडल में। तो अगर बात की जा रही है स्मॉल पावर सिस्टम की, तो स्मॉल पावर सिस्टम के लिए गॉस सीडल मेथड फास्ट होता है क्योंकि उसका टोटल कंप्यूटेशन टाइम कम है। ऐसे बताएंगे कौन सी मेथड फास्ट और कौन सी मेथड स्लो, तो गॉस सीडल मेथड फास्ट कब होगा, जब बात हो रही होगी स्मॉल पावर सिस्टम की, स्मॉल पावर सिस्टम में टोटल कंप्यूटेशन टाइम कहां कम है गॉस सीडल मेथड में। लेकिन अगर लार्ज पावर सिस्टम की बात हो रही है, ये जो लार्ज पावर सिस्टम 12 बस सिस्टम 14 बस 16 बस पावर सिस्टम, गॉस सीडल में रिक्वायर्ड टाइम क्या है 10 सेकंड 12 सेकंड, जबकि न्यूटन ऑप्शन में रिक्वायर्ड टाइम क्या है 7.5 सेकंड। टाइम कहां ज्यादा लग रहा है लार्ज बस के पावर सिस्टम में, गॉस सीडल में, कम कहां लग रहा है न्यूटन ऑप्शन में, तो न्यूटन ऑप्शन का ओवरऑल कंप्यूटेशन टाइम कम है लार्ज पावर सिस्टम के केस में।
गॉस सीडल का ज्यादा है ओवरऑल कंप्यूटेशन टाइम, तो लार्ज पावर सिस्टम के लिए न्यूटन राफ्सन मेथड फास्ट होता है, स्मॉल पावर सिस्टम के लिए गॉस सीडल, ऐसे बताएंगे। तो लिख लेना इसको, लिखिए इसमें पॉइंट से, फॉर स्मॉल पावर सिस्टम दैट इज फ्यू नंबर ऑफ बसेस, फॉर स्मॉल पावर सिस्टम दैट इज फ्यू नंबर ऑफ बसेस the overall computation time is less in the Gauss Seidel method. While for large power system that is large number of buses overall computation time is less in the Newton-Raphson method. Overall computation time is less in the Newton-Raphson method. Newton-Raphson method में overall computation time कम होगा. Clear है? ऐसे decide करेंगे. ऐसे directly नहीं बता सकते कि कौन सा method fast, कौन सा method slow. देखना होगा कि power system large है या small है. तब decide होगा कौन सी method fast और कौन सी method slow. क्लियर है? यस सर. अब देखते हैं फॉल्ट एनालिसिस. हाँ बताइए, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, बताइए फिर से बोलिए क्या बोल रहे हो. पावर सिस्टम जो हम ले रहे हैं कि हम लार्ज ले रहे हैं वो तो हमें गिवन होगा ना करने के लिए कि पावर सिस्टम लार्ज बस है, पावर सिस्टम में कितने नंबर ऑफ बसेस हैं ये हमें गिवन होगा. जैसे हमने देखा था 300 बस का पावर सिस्टम, जैकोबियन मैट्रिक्स बनाया, 300 बस का सिस्टम है, 183 बस का सिस्टम है, पावर सिस्टम लार्ज है या स्मॉल है. तो प्रैक्टिकली लार्ज सिस्टम का मतलब क्या होता है, लार्ज बस पावर सिस्टम का मतलब क्या है, लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इनफाइनाइट बस है पावर सिस्टम है, इनफाइनाइट बस का मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ जनरेटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. प्रैक्टिकली पावर सिस्टम कैसा है हमारा, लार्ज ही तो है, जो ग्रिड बनाया जाता है, ग्रिड का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 1000 नंबर ऑफ जनरेटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल. तो ये क्या है, लार्ज पावर सिस्टम है, लार्ज है पावर सिस्टम. लार्ज पावर सिस्टम के लिए न्यूटन राफ्सन मेथड फास्ट होगी. क्लियर है ये बताइए. क्लियर है? यस सर. नोट कर लिया. नोट कर लिया है? अब इसमें हेडिंग डालेंगे फॉल्ट एनालिसिस. गेट के लिए अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉल्ट एनालिसिस, इसको कंप्लीट करेंगे फिर स्टेबिलिटी देखेंगे. बाकी के फिर एक दो टॉपिक जो हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है और छोटे छोटे हैं तो टाइम नहीं लगेगा, वो तो एक ही क्लास में हो जाएंगे. फॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट करेंगे. सिमेट्रिकल फॉल्ट एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट वो देखेंगे क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल. चलिए फिर कल ही करते हैं इसको, कल ही स्टार्ट करेंगे इसको. ठीक है, कुछ पूछना तो नहीं है किसी को?
कल करते हैं इसको, फॉल्ट एनालिसिस को कल ही स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? पूछना तो नहीं है कुछ? नो सर। चलिए कल करते हैं स्टार्ट। थैंक यू। थैंक यू सर।